أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم well there appears to be some problem twitter में कोई इशू है जो scheduled space है वो नहीं हो सकी so I am doing it direct now I'm terribly sorry जो मैंने schedule की थी वो तो नहीं on हो रही किस वजह से मैंने multiple phones पे try किया है but this is now a problem so here we are उसको मैंने emergency में किया है अब जो भाई join कर रहे हैं मैं उसे ये request कर सकता हूँ kindly grab इसको शेयर करें मैं भी इसको शेयर करूंगा आगे पीछे एंड लेट अस सी के इफ वी कैन मेक दिस वर्क लेट मी क्विक एक्चुअली डू दैट लाइव नाउ ओके होपफुली दिस विल वर्क एनीवे वेलकम ऑन बोर्ड जो घर भाई ज्वाइन कर रहे हैं थैंक यू सो वेरी मच इंडीड आज जो हमारा टॉपिक है स्पेसिफिकली वो है जॉयलैंड की ये क्यों अक्रॉस पाकिस्तान बैन होनी चाहिए As we speak, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि पंजाब में ये बैन हो चुकी है बाकी सूबों में नहीं हुई है और इससे पहले मैं श्योर कहूँ कि हमारी ये ओपन मेक पॉलिसी होती है जस्ट टू से कि एनीवन कैन आस्क फॉर अ मेक और विद द हेल्प कि आप एक रिस्पेक्टफुल तरीके से आप इसको जो भी आपने कहना है आप फिल्म के हक में कहना चाहें उसके खिलाफ कहना चाहें वो आपका हक है सो लॉन्ग एज वी कैन कीप इट रिस्पेक्टफुल दैट इज ऑल फाइन बाय ऑल मींस अगर आप इसके एडवोकेट हैं ये जरूर होनी चाहिए तो आपसे बात करके मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी इसलिए कि दिस इज समथिंग व्हिच इज आई बिलीव फंडामेंटली इंपॉर्टेंट दैट वी हैव दिस टाइप ऑफ डायलॉग इन पाकिस्तान गाली गलौज एक दूसरे को बुरा भला कहना इन चीजों का कोई फायदा नहीं है सो लेट मी मेक माई केस कि मैं क्यों समझता हूँ कि पाकिस्तान में ये मूवी बैन होनी चाहिए और उसके बाद मैं आपका व्यू साथ साथ में देता रहूंगा नाउ मूवी इसलिए बैन होनी चाहिए ये पाकिस्तान में इसलिए कि इट गोज वेरी मच टू द कोर of purpose of Pakistan jiske yani ke islam ke naam ki mulk bana hai aur is effort ko honor kiya gaya hai hamare constitution mein ki hamare preamble mein ye baat bade wazahat ke sath likhi hui hai ke iqtidar-e-ala ka tasavvur mansoob hai allah taala ki zaat se aur jo insaan hai wo usi ke behalf pe uski authority ko execute karenge उसके साथ हमारे आइन का आर्टिकल 2 बड़ा क्लियर है कि जो रियासत का मजहब है रिलीजन है दीन है वो इस्लाम होगा तो अब किसी को ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि इस मुल्क में कोई भी गैर कानूनी कोई गैर इस्लामी कानून बन सकता है एटलीस्ट इन थ्योरी और उसके लिए हमारे पास पूरा एक प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म है अगर ऐसा कानून बन भी जाता है तो वो कानून जो है वो बेसिकली कलादम करार दिया जाएगा और कलादम कैसे करार दिया जाएगा उसका भी पूरा मैकेनिज्म है हमारे आर्टिकल जो है वो 227 अगर हम देखते हैं उसमें पूरे का पूरा है कि किस तरह से हमारे पास एक आइडियोलॉजी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसमें किस तरह से रेफर किया जाएगा और वो क्या फैसला देंगे और उसके बाद जो हमारा पार्लियामेंट है हमारी उस पर क्या जिम्मेदारियां होंगी ऑल दैट इज ऑलरेडी इनश्राइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन सो देन द क्वेश्चन इज कि क्या इस फिल्म को जब हम शरीयत सूरों पे के साथ हम कंपेयर करते हैं उस पर को हम जज करते हैं तो क्या ये शरीयत के मुनाफी नजर आती है या नहीं नजर आती है एंड हियर इज अ सिंपल थिंग ये फिल्म पाकिस्तान में हम जिस परस्ती को फरोग देती है ये है मेरा क्लेम अब मैं आपके सामने इसको साबित करना चाहूंगा कि ये किस तरह से देती है नंबर वन ये कि इस फिल्म को क्वेयर पाम अवार्ड मिला है अगरचे हमारे लिबरल्स कहते हैं कि भैया आपने फिल्म देखी नहीं है आपको फिर कैसे पता well, you don't have to watch the movie to know something about it. And फिल्म की कहानी पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रही है पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है आप बड़े फखर से कहते हैं कि इस फिल्म ने इंटरनेशनल अवार्ड लिए हैं कौन से लिए हैं well, जूरी अवार्ड लिया है कान फिल्म फेस्टिवल में और इसके अलावा क्या लिया है क्वेयर पाम लिया है अब क्वेयर पाम किन फिल्मों को मिलता है एलजीबीटी वालों को मिलता है हाउ डू वी नो दिस उन्होंने खुद अपनी वेबसाइट पे कहा हुआ है कि इस ये स्पेसिफिक अवार्ड है एलजीबीटी वालों की और ये जो हमारा ये इंटरनेशनल मीडिया नेशनल मीडिया ये सारे मिलजुल के किस तरह से सबको बेवकूफ बना रहे हैं इट्स अनबिलीवेबल कि बीबीसी वो रिपोर्ट कर रहा है कि नहीं इसको तो जूरी अवार्ड मिला है और उसमें तो एलजीबीटी की कैटेगरी है ही नहीं वो एक टेक्निकल वहां पे एक बदयानती कर रहे हैं और वो ये कि द फैक्ट के क्वेयर पाम अवार्ड इस फिल्म फेस्टिवल का ऑफिशियल हिस्सा नहीं है उन्होंने वो बात ही टोटल गायब कर दी इसका ऑफिशियल हिस्सा नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि अवार्ड मिला ही नहीं है अवार्ड इज देयर मिल चुका है और एलजीबीटी कैटेगरी की जो फिल्में होती हैं बेसिकली इस कैटेगरी में जो फॉल करती हैं वो उन्हीं को ही मिला करता है सो दिस इज एविडेंस नंबर वन एविडेंस नंबर टू अगरचे हमारे साहब सादिक साहब कहते हैं कि इसको देख के आपकी फैमिली आपके जहन में आती है स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि आपके अबू आपके सामने आते हैं आई एम नॉट एंटायरली श्योर व्हाट ही मींस बाय दैट व्हाई डज ही इवन मेंशन फादर इन दिस काइंड ऑफ कन्वर्सेशन के हम जिस बस्ती वाली फिल्म में खैर एनीवे
और उन्होंने ये भी तासुर देने की कोशिश की कि ये तो एक नॉर्मल फिल्म है और इसमें बहुत से किरदार हैं, आपकी फैमिली भी है और वगैरह वगैरह, एक उसमें एक ट्रांसजेंडर भी है, तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसजेंडर की जिंदगी नॉर्मलाइज हो जाए, आप लोगों ने वैसे ही श्योर किया हुआ है। वेल एविडेंस नंबर टू इज के आप खुद ये कहते हैं कि जब किसी फिल्म में शराब पीते हुए किरदारों को दिखाया जाए तो उससे आपका शराब पीने को जी नहीं चाहता। आई एग्री विद, उसका आपको शराब पीने का जी बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन अगर आप उस चीज को जवाज बना रहे हैं तो फिर जवाज किस चीज का बना रहे हैं? इसी चीज का बना रहे हैं ना कि अगर शराब पीने से, सो आर्गुमेंट को डीकंस्ट्रक्ट करें अगर, देन दिस इज व्हाट वी गेट, कि अगर शराब पीने वाले मनाजिर देख के आपका शराब पीने को जी नहीं चाहता, देयर फोर इट नेसेसिटेट्स टू एक्सेप्ट कि जब आप हम जिंस परस्ती वाले मनाजिर देखेंगे तो आपका हम जिंस परस्त बनने को आपका जी नहीं करेगा। सो इररिस्पेक्टिव कि हमारा जी करेगा या नहीं करेगा, लेकिन आप तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि इसमें हम जिंस परस्ती वाले मनाजिर हैं, तो जब हम यही बात कहते हैं तो आपको एतराज क्यों होता है इस चीज पे? आप अपने ही लॉजिक को अपने खिलाफ यूज कर रहे हैं। हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ दैट? तो ये इसका एविडेंस नंबर टू है। एविडेंस नंबर थ्री इसका कि जो इंटरनेशनली इसको पब्लिश किया जा रहा है, जहां जहां आप बता रहे हैं कि फलां फलां जगह पे इसको पब्लिश किया गया है, दिस एंड अदर, उसमें हर जगह पे ट्रांसजेंडर लिखा हुआ है। ट्रांसजेंडर लिखा हुआ है, ये टर्म समझनी बड़ी जरूरी है कि हम नहीं कह रहे कि इस फिल्म में एक ऐसा किरदार है जो कि मुखन्नस है, जो कि इंटरसेक्स है, कि जिसके जो बायोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं उनमें इभाम पाया जाता है, हम ये नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि वो एक ट्रांसजेंडर है, यानी कि एक बायोलॉजिकल मर्द है जो अपनी जेंस से ज्यादा अपनी सिंफ को अहमियत देता है, विच इज कम्प्लीटली अनसाइंटिफिक बाय द वे, और उसकी वजह से वो खुद को औरत समझता है और औरत के तौर पे जिंदगी गुजार रहा है, वेयर एज द फैक्ट ऑफ द मैटर इज वो एक बायोलॉजिकल मेल है। तो इससे ज्यादा आपको एविडेंस क्या चाहिए कि जब एक मेल दूसरे मेल के साथ बोसो किनार कर रहा है, उसके साथ वो फिजिकल करेसिंग हगिंग सब कुछ कर रहा है, तो हम जिंस परस्ती और किसे कहा जाता है? व्हाई डू यू इवन डिनाई दैट? एंड अगर आपने डिनाई करना है तो कम से कम उसे खुल के उसको डिनाई करें कि नहीं, इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं, और अगर आपने उसको ऑनर करना है तो आप कहें भी हम लिबरल है, हमारी मर्जी हम उसे करेंगे। इन दोनों चीजों का अलहदा अलहदा से जवाब देना। ये तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने वो लिखा था कि अपने खानसामाओं के बारे में, कि लंबी लिस्ट है उन्होंने, मैं बात को मुख्तसर करता हूँ कि एक खानसामा ऐसा था कि जो इतना ज्यादा शोरबा डाल दिया करता था और उसमें बूटियां कहीं कहीं होती थी, तो उन्होंने जो उसकी अपनी बेबसी उन्होंने लिखी उसके लिए अल्फाज ये थे कि वो बूटी ऐसी होती थी कि साफ छुपती भी नहीं, सामने आती भी नहीं। तो ये लिबरल्स इस मूवी के हवाले से यही हमारे साथ कर रहे हैं कि ये साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। इसलिए किसी को इस बात में शक नहीं होना चाहिए कि ये फिल्म हम जिंस परस्ती को फरोग देती है। देन हमारे पास स्टैचुटरी इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें हमारा सेंसर बोर्ड है, जिसमें हमारे रीजनल सेंसर बोर्ड्स हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, इन सब का ये काम है कि हर वो चीज जो गैर शरी है उसको मुल्क में अगर वो आ जाती है तो उसकी हैसियत एक जुर्म की होनी चाहिए, उसको रियासती प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए। पर इन दिस केस जब सेंसर बोर्ड उसको अलाउ कर देता है तो उसको रियासती प्रोटेक्शन तो मिल जाती है। जब रियासती प्रोटेक्शन मिल जाती है तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत बराह रास्त आईने पाकिस्तान को सबवर्ट कर रही है। दैट इज द जिस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, कि हमारी हुकूमत खुद ही आईने पाकिस्तान के खिलाफ एक्ट कर रही है, जबकि उसका काम है, प्रीएम्बल में ये लिखा हुआ है कि इक्तदारे आला का तसव्वुर खुदा के लिए मखसूस है, बंदों ने तो सिर्फ उसके हुक्म की जो जो अल्लाह ताला की अथॉरिटी है उसका जो हुक्म है उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये किस तरह से अल्लाह का हुक्म इम्प्लीमेंट हो रहा है, कहाँ पे अल्लाह का हुक्म इम्प्लीमेंट हो रहा है, कि एक चीज वजाहत के साथ दीन में है कि जिसमें कि आप नहीं कर सकते, यू एब्सोल्युटली यू कैन नॉट डू दैट, तो हम उसको जो लेजिटिमाइज कर रहे हैं। तो ये वो प्रॉब्लम्स है जिनको हम एड्रेस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इज्जत और एहतराम के साथ हम बात करें, इज्जत और एहतराम के साथ अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं, एंड लेट देम नो दैट दिस इज नॉट समथिंग आप करना चाहते हैं जरूर करें। अभी मेरी कुछ देर पहले फरूद आलम साहब से एक टीवी चैनल पे डिबेट हो रही थी, उन्होंने इसको ऑन कर लिया। मैंने उनसे ये पूछा, मैंने उनसे ये कहा था कि आप लिबरल्स अगर पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक को चेंज करना चाहते हैं तो आपको स्टेट लेवल पे आना पड़ेगा, आपको इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे, आपको एक मैनिफेस्टो बनाना पड़ेगा जो पब्लिक में आपने बताना होगा अपनी पोलिटिकल पार्टी के जरिए, उसके बाद आप इलेक्शन जीतते हैं तो हम आपके राइट टू गवर्न को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन पीसफुली डेमोक्रेटिकली आपके खिलाफ रेजिस्ट करेंगे, लेकिन आपको मानेंगे हम जरूर, इसलिए कि डेमोक्रेटिकली लोगों ने आपको इलेक्ट कर लिया है,
वी हैव नो प्रॉब्लम विद इट। तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि हमने अगर जॉय लैंड फिल्म बनाई है तो जो आप जो कहते हैं कि हम लोगों के सामने अपना केस पेश करें, तो हम ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज फिल्मों के जरिए तो केस पेश करते हैं। नाउ मुझे फरहुद आलम साहब की बात अच्छी लगी है कि कम से कम इसमें मुनाफ़ा तो नहीं है, इस फिल्म में जो कुछ दिखाया जा रहा है वो हराम कर रही है, लेकिन कम से कम वो क्लियर तो कर रहे हैं कि हाँ भी ऑन कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। तो इसलिए हमारा जो केस बिल्ड है इस फिल्म के हवाले से कि ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रीजन नहीं होना चाहिए। साथ साथ कुछ बड़े अहम सवाल हैं जो मैं चाहूंगा कि जो हमारी लिबरल पार्टीज हैं, जो हमारी ये जो सोशल लिबरल पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात नहीं कर रहा, ये आजादी रस्मां वाले, औरत मार्च वाले, मुझे इनकी मुनाफिकत की समझ नहीं आती। आई एम सॉरी फॉर दिस रादर स्ट्रॉन्ग वर्ड बट आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी अदर वर्ड, कि आप अगर ये कहते हैं एक मर्द दूसरी शादी कर ले तो आप समझते हैं कि जो पहली बीवी है उसके हकूक पे डाका डाला जा रहा है, देयरफॉर मर्द को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। नाउ इररिस्पेक्टिव केस का आर्गुमेंट में हजारों गलतियां हैं, लेकिन एक मिनट के लिए आपके लिए तो ये आर्गुमेंट साउंड भी है, वैलिड भी है, आपके लिए आर्गुमेंट तो गलत नहीं है। तो इस फिल्म की हिमायत आप कैसे कर सकते हैं जबकि इस फिल्म में, और मैं रिया श्याम साहब को कोट कर रहा हूँ यूथ क्लब से, कि इस फिल्म को आप किस तरह से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस कि इसमें एक शादीशुदा मर्द है जो कि एक और मर्द के साथ इश्क लड़ा रहा है, और जब उसकी बीवी इस चीज पे रेजिस्ट करती है तो वो उसको कहते हैं कि यू नो शी इज द बैड गाय, वो विलन है। अब यहाँ पे उस औरत के हकूक बिल्कुल सबवर्ट नहीं हो रहे कि मर्द दूसरी शादी करे तो औरत के हकूक सबवर्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे वो मर्द जो ऐसा है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहा है एक मर्द के साथ, हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ दैट। इसलिए मैं लोगों के बारे में कहता हूँ कौन लोग हैं ये, मुझे ज्वाइन किया राजा जियाउल हक साहब ने, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, और अरवाज भाई भी तशरीफ रखते हैं। मैं माइक देना चाहूंगा मैं राजा जिया साहब को। अच्छा अच्छा मैं अभी थोड़ी सी मैं जहालत का शिकार हूँ ट्विटर स्पेसिस के हवाले से, ये सिर्फ मेरी तीसरी या चौथी स्पेस है, सो आई एम जस्ट लर्निंग माय वेज अराउंड। मैंने उनको इन्वाइट किया है, राजा साहब अगर आप मेरी बात सुन पा रहे हैं तो काइंडली इफ यू एक्सेप्ट द इनविटेशन एंड यू कैन आल्सो कम ऑन बोर्ड, आपसे बात करना चाहते हैं तो कांडिया तशरीफ लाइए, आप पूछ सकते हैं। आपने यहाँ पे दावत पर बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपने छेड़ा, एंड आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू डिस्कस दिस इश्यूज ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, क्योंकि अक्सर लोग बहुत कंफ्यूजन के शिकार होते हैं कि असल में आप लोगों का इशू एक्चुअली क्या है। मैं एक्चुअली अभी कुछ ही देर पहले एक भाई के साथ मेरी बातचीत हुई जिन्होंने एक्चुअली फिल्म देखी है और उन्होंने उसका पूरा जो व्यू है वो बताया है, और एक्चुअली जो हम सोच रहे थे इट इज एक्चुअली अ बिट वर्स देन दैट। उसकी वजह यह कि सिर्फ एक इसमें एक्स्ट्रा मैरिटल या वो नहीं है, इसमें मल्टीपल है, और मैं इशारतन आपको सिर्फ ये बताते चलूँ कि इसमें एक तो वो रिलेशनशिप जो एक मर्द है, जो इसमें जो दो भाई हैं बेसिकली, एक छोटा भाई जो है वो हैदर है और बड़ा भाई जो है वो कलीम है, और जो हैदर है वो बेसिकली उन्होंने उसमें इम्पोर्टेंट दिखाया कि वो इज अनएबल टू हैव किड्स एंड अनएबल टू आप कह लें फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड टू सेटिस्फाई हिज वाइफ, और वाइफ जो है उसी वजह से वो फिर उसके साथ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाती है, और वो जो है वो अपनी मोहब्बत जो है वो एक ट्रांस वुमन जो कि टेक्निकली एक बायोलॉजिकल मेल है उसको साथ जो थिएटर कंपनी है उसके अंदर जाके वहां पे मोहब्बत लड़ाना शुरू करता है, लेकिन वो जो ट्रांस पर्सन है वो भी आफ्टर अ वाइल, उसमें उन्होंने बताया खासे कुछ इनअप्रोप्रिएट सीन्स भी थे, कुछ उसमें इनअप्रोप्रिएट बातें भी थी। सुनने में यह आया कि उसमें से कोई 8 मिनट का जो क्लिप है, पूरी मूवी में से तकरीबन 2 घंटे की फिल्म है, उसमें से तकरीबन 8 मिनट का जो क्लिप है वो उन्होंने सेंसर आउट किया है, बट इट इज नोन थिंग के डेफिनेटली उन्होंने दो मर्दों की वो मोहब्बत जो है उसको दिखाया, लेकिन वो जो ट्रांस पर्सन उसमें जो है वो उसको ये कहता है हैदर को कि भाई तुम तो अपनी वाइफ को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो मुझे भी नहीं कर सकते, तो वो उसको काइंड ऑफ धुतकार देता है, उसको पिटवाता है उसके एडवांसेस के बाद, और इन द मीन टाइम जो उसकी ये बीवी है जो हैदर की बीवी है, अल्लाह माफ करे वो जाके उसका जो बड़ा भाई है कलीम उसके साथ उसका एक फिजिकल रिलेशनशिप होता है जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और ये दिखा रहे हैं, और इन द मीन टाइम जो अब्बा जान है इनके, अब्बा जान जो है वो है लेकिन अम्मी जो है उनकी डेथ हो चुकी है, अब्बा जान व्हील चेयर पे है
और हमसायों की एक औरत जो है वो उनको उनकी खिदमत करने आती है, एंड देन ही दे बोथ कंसेंचुअली एंड अप स्लीपिंग विद ईच अदर। तो इट इज एन एब्सोल्यूट मेस के जहाँ पे अप्पा जान भी एक सेक्सुअल रिबेलियन के अंदर है, बेटे दोनों जो है वो सेक्सुअल रिबेलियन के अंदर है, बीवियां जो है उनका भी दिमाग खराब हुआ हुआ है, मतलब इट्स ऑल आउट मेस। और इसके एंड में जो है ना वो खुदकुशियां दिखा के इन्होंने इसको बताया कि जी वो जो बीवी है इसकी हैदर की, वो चूंकि प्रेगनेंट हो चुकी होती है और जब डिलीवरी का टाइम करीब आता हैदर को भी पता लग जाता है कि भाई ये मेरा बच्चा तो है ही नहीं बिकॉज आई एम इम्पोर्टेंट, तो वो जो है फिर एंड में वो जो है ना खुदकुशी करके मर जाती है। इस तरह की इन्होंने कहानी बिल्ड की है। सो एक नैरेटिव जो ये कहते हैं या ये बात करते हैं, वो कहते हैं देखें जी ये तो माशरे के अंदर अकासी हम कर रहे हैं, माशरे में जो गंद बला हो रहा है हम तो वो आपको दिखा रहे हैं। तो क्या ये जरूरी है कि पूरे माशरे का गंद दिखाया जाए, मतलब क्या ये जरूरी है कि एक तो गुनाहों की को ब्रॉडकास्ट किया जाए, दूसरा ये कि इस किस्म की एक नैरेटिव बिल्ड करके आप ये कहना चाहते हो कि जो जो बंदा होमोसेक्सुअल था जो अपनी बीवी को छोड़ के, क्योंकि दोनों मैरिड थे, दोनों ने फॉर्निकेट की है, दोनों ने अडल्ट्री की है, और दोनों को आपने काइंड ऑफ दिखाया कि भाई ये तो माशरे में होता है, उसको एक तो आप नॉर्मलाइज करना चाह रहे हो, उसको आप बताना चाह रहे हो कि ये तो नॉर्मल सी बात है भाई, हर घर की कहानी है, और जो इसके प्रोड्यूसर हैं या बल्कि डायरेक्टर हैं वो तो एक टीवी शो पे आके कह रहे थे कि ये तो हर घर की कहानी है और ये मेरे बहन भाइयों की कहानी है, मेरे अब्बू की कहानी है। भाई ये कौन से अब्बू हैं आपके और ये कौन सी बहन भाई है जिनकी कहानी आप सुना रहे हैं? आपके घर में होता होगा भाई, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबको इस किस्म के फितरों से महफूज रखे। I mean, this is lot worse than what we expected. और ये जो आर्गुमेंट है राय साहब के ये माशरे के जो हो रहा है उसकी अकासी करते हैं, well, here is the thing. माशरे में जो कुछ हो रहा है उसको डिपेक्ट करना और उसको ग्लोरीफाई करना दे आर टू डिफरेंट थिंग्स. जो कहते हैं कि हम वो फिल्मों में जब शराब दिखा रहे हो पी रहे होते हैं लोग और वो दिखा रहे हैं और मुजरे चल रहे हैं दिस एंड द अदर, well, that's fair enough. लेकिन वो एक एक्सक्लेमेशन मार्क के तौर पर दिखा रहे होते हैं कि ये बुरे लोग हैं. एंड उसके अलावा आप एक एग्जांपल ले सकते हैं सिगरेट से, राइट? माशरे में लोग सिगरेट पीते हैं, किसी भी ड्रामे में जब ये डिपेक्ट किया जाता है दैट थिंग इज एज ट्रिवियल एज स्मोकिंग, तो उसके नीचे भी एक जुमला लिखा आता है कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है. अब मैं कह सकता हूं कि किसी आदमी ने सिगरेट पिया है वो माशरे में दिखाता है, वो माशरे में पीता है, लेकिन मैं किस तरह से एज अ प्रोड्यूसर एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं दिखा सकता हूं कि मैं इस चीज से मुत्तफिक नहीं हूं. Well, I add the little line, a disclaimer, कि हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये आदमी पी रहा है लेकिन kindly avoid it, ये आपकी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है. और एक छोटे से सिगरेट के लिए आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपने एक पूरी फिल्म बना दी जिसमें हम जिंस परस्ती हो रही है, फोर्निकेशन हो रही है, एक्स्ट्रा वेडलॉक रिलेशनशिप सारा कुछ चल रहा है, एंड यू शो दैट एज समथिंग दैट हैपेंस इन द सोसाइटी एज एज नॉर्मल, कि आपके घर की ये कहानी है, व्हाई नॉट कीप इट टू योर ओन फैमिली, आई मीन वुड दैट नॉट मेक मोर सेंस? क्या आप उसको ग्लोरीफाई? और फिर जो टिपिकल चीज होती है कि जब भी किसी चीज को प्रमोट करना है तो दिस इज कॉल्ड द विक्टिम कार्ड मेथड, कि विक्टिम आप उनको बना दें कि लोगों की जज्बाती वाबस्तगी उनकी हमदर्दी उन लोगों के साथ हो जाए कि हाय बेचारे कितने मजलूम थे. कौन मजलूम थे? वो जो हम जिंस परस्ती कर रहे थे, वो जो एक की बीवी दूसरे के साथ और उसका बाप उसके साथ वो उसके साथ एंड में खुदकुशी कर ली है, देयरफॉर एवरीथिंग दैट दे ग्लोरीफाइड वी आर सपोज्ड टू जस्ट टर्न टर्न द ब्लाइंड आई. और आप उस मूवी के अंदर या उस ड्रामे के अंदर ये दिखाते हो एंड में कि जी जो बैड गाय था वो जलील और रुस्वा हो जाता है या वो बहुत दर्दनाक मौत मरता है या वो एक ऐसी चीज से गुजरता है जहां पे आपने क्लियरली एस्टैब्लिश किया है कि यू नो दिस वाज समथिंग दैट वाज नॉट गुड. यानी फॉर एग्जांपल बचपन से हम जो कहानियां पढ़ते आ रहे हैं उसमें कोई जो भी कोई क्रिमिनल एलिमेंट होता है वो उसमें विलेनस कैरेक्टर होता है और आपको ये बताया जाता है कि भाई ये चीज आपने नहीं बननी और जो हीरो का रोल है वो है. अब इस मूवी के अंदर जो हीरो है वो हैदर है. हीरो जो है ये वो शख्स है जो यानी उसको उसको बनाया जो अपनी बीवी को छोड़ के एक मेल के साथ जाके अपनी अट्रैक्शन कर रहे हैं और फिर एंड में आप जो एम्पथाइज करोगे वो हैदर के साथ करोगे कि देखो उसकी तो बीवी ने भी खुदकुशी कर ली, वो उसकी बीवी जो थी वो किसी और के बच्चे को जो है जन्म देने जा रही थी और ये खुद इसको जो मोहब्बत थी वो लव लॉस्ट हो गया ना, मतलब आप उसके लिए एम्पथाइज कर रहे हो. आप एंड में ये फील कर रहे हो कि हाय बेचारा देखो ना इसको इतनी मोहब्बत थी, उसका प्यार सच्चा था. और उस पूरी कहानी में ना आपको ये नजर आता है कि जो बीवी का रिलेशनशिप हुआ उसके भाई के साथ, बल्कि एक सीन में उन्होंने दिखाया
कि जो इसकी हैदर की बीवी है वो अपनी कमरे की खिड़की के बाहर जो है ना वो एक मर्द को देख रही है कुछ इनअप्रोप्रिएट तरीके के साथ, और वो उसके साथ मतलब वो ना उसके साथ आप कह लो कि सेक्सुअली अराउज हो रही है क्या, और ये जिसको देखते हुए जो इसका बड़ा भाई कलीम है वो उसके ऊपर एडवांस करता है कि वो फील करता है कि शी इज लोनली एंड शी नीड्स कंपनी। तो इसकी जो रिलेशनशिप दिखाई है इसके भाई के साथ वो दिखाई है लस्टफुल है, यानी जो बीवी है इसकी और उसके भाई का रिलेशनशिप वो लस्टफुल है। अब्बा जान का जो रिलेशनशिप हो रहा है हमसाय की यानी औरत के साथ वो लस्टफुल है, लेकिन इसकी जो मोहब्बत है उस ट्रांसजेंडर के साथ वो प्योर लव है, वो जो है ना वो रियल लव है, वो ट्रू लव है। तो इन द एंड यू एंड अप एम्पथाइजिंग विद द पर्सन जो कि होमोसेक्सुअल एक्ट में जा रहा था, क्योंकि वही आपका स्टेटमेंट है कि लव इज लव, प्यार प्यार होता है चाहे वो किसी किस्म का भी हो, और आगे उसके जो रिपरकशंस हैं वो जारी बात है हम सबके सामने ऑब्वियस है कि ये यहाँ पे तो खत्म होगा नहीं, आप इसके अंदर तमाम किस्म की जो डिविएंट किस्म की प्रैक्टिसेस हैं लव की वो सारी इंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज शॉकिंग। अच्छा मैं अब अरबाज भाई करूंगा, उसके बाद सारा खान वो माइक पे आएंगी। थैंक यू जिया भाई, साथ रहिएगा। क्वेश्चंस जो है अभी आपकी तरफ आएंगे लोगों के, मैंने अभी तक माइक जो है वो सिर्फ 4 लोगों तक रखा हुआ है। जब ये हमारे सारा खान सिस्टर है उनके बाद जब बात हो जाती है तो फिर क्वेश्चंस हम लेना शुरू करेंगे लोगों के। जी अरबाज साहब, माइक गोज टू योरसेल्फ, वेलकम ऑन बोर्ड ब्रदर। थैंक यू कैसर साहब, मैं आपकी काफी अरसे से वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ, और राजा रियाज साहब से भी यानी कि एफसी कॉलेज में लास्ट मंथ ये आए थे, इन्होंने प्रोग्राम किया था तो वहाँ इन्हें सुनने का देखने का मौका मिला, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप जैसे लोग यहाँ मौजूद हैं। तो मुझे भी इस फिल्म के बारे में इतना नहीं पता था, और मैंने इसलिए ये ज्वाइन की थी स्पेस ताकि इसके बारे में पता करें कि ये है क्या। तो जैसा कि आप सबने यहाँ बयान किया है, ये जो जो चीज प्रमोट करना चाहते हैं ये बेसिकली हमारे खानदानी निजाम जो है उसको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे सीनियर्स यहाँ मौजूद हैं हमारे दरमियान जो कि इनके हर एक साजिश का पहले ही पता चला लेते हैं और उससे अवाम को आगाह रखते हैं। तो ओवर टू यू सर, जितने भी दो क्वेश्चन हैं वो आपसे थैंक पूछूं। तो यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरबाज साहब, वेरी वेरी अप्रिशिएट यू बीइंग हियर। जी सारा खान साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। सबको एंड थैंक यू सर फॉर गिविंग मी द माइक। इट्स अ प्लेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द एफर्ट यू गाइस आर पुटिंग। आई मीन दिस इज समथिंग के हमें पता है ये बात कि बिल्कुल ही गलत है शुरू से लेकर आखिर तक, एंड एवरीबॉडी इज डूइंग देयर पार्ट टू रिलीज द डिमांड। तो आपने जो कहा बिल्कुल उस चीज से हम एग्री करते हैं। दूसरा आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ स्टेटमेंट, और आप इसको एक क्वेश्चन समझ लें, इस चीज से किस तरह से ट्रिगर किया जाए। लाइक एवरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एक्टर और आप जिसको भी देख लें, एवरी वन इज लाइक रिलीज दिस मूवी एंड आखिरकार वो हो गए, तो उस सिचुएशन में आप क्या कहते हैं? सॉरी अगर आप सवाल को रिपीट करते हैं, आपकी तरफ से थोड़ी सी डिस्टोर्शन आ रही है, सुनने में थोड़ी सी दिक्कत है। इफ यू डोंट माइंड प्लीज रिपीटिंग द क्वेश्चन। मैं मेरा सवाल ये था कि देखें पहले ये मूवी बैन हो गई थी एंड आफ्टर सबका इतना उस चीज को आप बोलेंगे लाइक सबका बहुत ज्यादा जोर आया कि एक्टर से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के ये मूवी को रिलीज उन्होंने कर दिया है पंजाब के अलावा हर जगह पे ये मूवी रिलीज। थैंक यू वेरी मच डियर। आई थिंक अरबाज साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। जी अरबाज साहब। नो सर, मैं इसमें ना एक दूसरा क्वेश्चन ऐड साथ करना चाह रहा था कि अक्सर ये जो लिबरल हैं, ठीक है, सोशल मीडिया वगैरह पे ये पोस्ट वगैरह कर रहे हैं कि इस चीज का अवाम को डिसाइड करने दिया जाए कि अवाम क्या चाहती है इस बारे, तो इसका भी काइंडली इधर जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि अक्सर यहाँ कॉमेंट सेक्शन में भी आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बिल्कुल, मैं और राजा जिया साहब इसको शेयर कर लेते हैं। एक हिस्से को मैं एड्रेस कर देता हूँ, दूसरे हिस्से को राजा साहब कर देंगे। देखिए जो आपने कहा कि वो कहते हैं कि आवाम से पूछे, तो हम भी तो यही कहते हैं आवाम से पूछे। हम भी तो यही कहते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए कि 1% तबका है, नो डाउट बड़ा रिसोर्स वाला वो तबका, लेकिन बहरहाल माइनॉरिटी में है, उसको खुश करने के लिए आप 99% को आप
टोटल डिस्कार्ड कर रहे हैं। मैंने एक स्नैपशॉट लेके शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम का कि 15 घंटे बाद जब उन्होंने वो उनके साइम सादिक साहब वहां पे गए थे फिल्म डायरेक्टर जो है कि उन्होंने एक पीस निकाल के अपने ऑफिशियल चैनल पे लगाया कि लोगों की हमदर्दियां इकट्ठी हो, 15 घंटे के बाद कुछ 4,000 व्यूज भी उस पर नहीं थे और शायद कुछ 100 के लाइक्स नहीं थे उस पर, और जो कॉमेंट्स थे उसको छोड़ दे के लोगों ने क्या लिखा हुआ था। आप पब्लिक के पास जाना चाहते हैं, जाए पब्लिक के पास। पब्लिक ने तो बड़ा क्लियरली बताया है कि ये दे डोंट वॉन्ट टू हैव दिस फिल्म इन देयर कंट्री, वो तो क्लियर है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रेफरेंडम करा सकते, बल्कि मैं राजा जया साहब से कहूंगा कि जितने भी जो बड़ा हमारे पास जो कोई भी प्लेटफॉर्म है इस वक्त बात करते हुए मैं 2-3 मेरे नाम जहन में आ रहे हैं, सो वुड लाइक टू स्पेसिफाई वन कि वहां पे हम ट्विटर पे ही हम एक पब्लिक रेफरेंडम टाइप एक क्वेश्चन रख देते हैं, दो ही ऑप्शंस, बाइनरी ऑप्शन उसमें, आइदर यस और नो, आप पब्लिक का फीडबैक देख लीजिएगा। यही तो प्रॉब्लम है कि पब्लिक के पास ये जाते नहीं है, दे डोंट वॉन्ट टू गो टू पब्लिक, यू नो दिस इज द बिगर प्रॉब्लम। जी राय साहब, दूसरा जो क्वेश्चन था सारा सिस्टर का, बैन हो गई और फिर इतने जल्दी ये रिलीज हो गई और पंजाब में फिर जल्दी बैन उसका हुआ, लेकिन व्हाट माइट हैव हैपेंड इन बिटवीन बैनिंग इट एंड देन रिलीजिंग इट? जी कैसर भाई, असल में जो आपको पता है कि सबसे पहले तो इस मूवी को एनओसी मिला सेंसर बोर्ड की तरफ से कि इट्स गुड टू गो। उन्होंने इसके पेज 3 जो था, वो जो डॉक्यूमेंट मेरे पास पहुंचा था, उसमें इन्होंने उसके ऊपर कुछ अल्फाज और कुछ चीजें लिखी हुई थी कि जिनको रिमूव करने का कहा था, और फिर कहा कि नाउ इट्स ओके टू गो। उसके बाद क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से इसके ऊपर बैन लगा, और वहां पर उन्होंने, क्योंकि हम लोग काफी एक्टिवली काम कर रहे थे, मैं कॉन्स्टेंटली इन टच भी था जो हमारी अभी हैं उनके साथ भी, और वो और हमारी जो लीगल टीम्स हैं वो इस पे काम कर रही थी, इसी तरह से सेनेटर मुश्ताक साहब के साथ भी इन टच थे और उनकी जो टीम्स हैं उनके साथ भी, तो माशाल्लाह हर एंगल से ना प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था, और अल्लाह का बहुत करम है कि उसके बाद जो है वो उसके ऊपर बैन लगा। लेकिन फिर क्या हुआ कि पीएम साहब की तरफ से एकदम से वो एक रिक्वेस्ट आती है कि जी इसको हम एक और कमेटी में भेज रहे हैं, क्योंकि देर इज सम काइंड ऑफ प्रेशर। आई नो देर इज नो रियल प्रेशर, वो जो प्रेशर है वो एक बहुत छोटा ग्रुप है जो कि प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑल्दो जैसा कि ये बात अभी आपने डिस्कस की है कि जो आवाम है वो किसी भी, जो भी पोस्ट इस टॉपिक पे हुई है, किसी भी, मैं कहता हूँ रेफरेंडम तो दूर की बात है, आप किसी भी पोस्ट के नीचे सिंपली जाके कमेंट सेक्शन में या लाइक्स का रेशो जाके आप देखें तो आपको आइडिया होगा कि जमीन आसमान का फर्क है। वही जो आपकी बात है कि 99% वर्सेस 1% वाला रेशो चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बहुत करम है। मैं समझता हूँ कि हम लोग पाकिस्तान में चाहे जैसे भी टूटे फूटे किस्म के नालायक किस्म के मुसलमान हैं, लेकिन कम अज कम हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम अल्लाह के मानने वाले आशिक रसूल हैं डिस्पाइट ऑल ऑफ आवर फॉल्ट्स एंड आवर शॉर्टकमिंग्स। तो लोगों ने यही कहा कि भाई ये वाला फिल्म जो है ये हम पाकिस्तान में नहीं आने देंगे, और फिर दोबारा से प्रेशर क्रिएट हुआ जब से ये प्राइम मिनिस्टर साहब की जो कमेटी है उसने कहा कि जी अब इसको अनबैन कर रहे हैं और अब ये इट्स गुड टू गो 18 नवंबर को इसकी रिलीज का दोबारा से वो आ गया। तो फिर हम लोग कल रात से मुतहरक हुए, दोबारा से एक्टिव हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, हमारी जो लीगल टीम्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा एक्शन लिया, और अब जो है वो पंजाब लेवल पे तो कम अज कम इसको बैन किया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाकी जगहों पे भी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बैन होगा, इसकी रिलीज को रोका जाएगा, और चाहे जो भी आउटकम हो हमें उसकी फिक्र नहीं। हमारे हमें ये है कि चले हम लोगों ने एक नैरेटिव को आप कह लें कि डिस्कस किया है, पब्लिक लाइमलाइट में लेके आए, ये वो बातें जो देखिए किसी को शौक नहीं होता। मुझे अगर आप पर्सनली पूछें, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट, आई मीन दिस इज नॉट समथिंग के मैं कहूँ कि मैं सारे अपने काम छोड़ के अपनी जो मेरी यूनिवर्सिटी की क्लासेस चल रही हैं, बाकी आगे पीछे जो हमारे लेक्चर्स टॉक हो रहे हैं, उन सबको छोड़ के मैं इस टॉपिक के पीछे ही पढ़ जाऊँ हाथ धो के। लेकिन पढ़ने की वजह ये बनी क्योंकि इन लोगों ने ना हमें छेड़ा है, जिस तरह वो कहते हैं ना कि तंबूड़ियों के छत्ते में इन्होंने हाथ डाल दिया है, इन्होंने उस जगह ये उन्होंने ना रेड लाइन क्रॉस की है, इन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस की है कि जहाँ पे चले हमारी बाकी फिल्मों में भी बहुत फाशी और फजूल किस्म की बातें और फजूल किस्म की थीम्स और फजूल किस्म की कहानियां चलती रही हैं, बट वो सबको नजर आता था कि ये क्लियर रॉन्ग है और अरसे से चला आ रहा है और हर किसी को पता है कि ये क्या चीज है। लेकिन अब जो है ना ये जो फाइन लाइन क्रॉस कर रहे थे वो ये रेड लाइन है कि जी अब वो कहना चाहते हैं कि नहीं, प्यार जो है वो प्यार होता है, और अगर हम इसमें इस सारी मोहब्बत आशिकी और ये जो जिस किस्म का भी फिल्ट आया हुआ है उसमें एक और हम फिल्ट का इजाफा कर दें जो इनमें से सबसे कबीरा फिल्ट है, विच इज बेसिकली गोइंग अगेंस्ट द दीन, इट्स गोइंग अगेंस्ट लॉज ऑफ नेचर, इट्स गोइंग अगेंस्ट बायोलॉजी, इट्स गोइंग अगेंस्ट एवरीथिंग दैट वी स्टैंड फॉर। सो उस पे मैं समझता हूँ कि हमारा जो है ना वो शोर मचाना बनता था, और जो कि हुआ, और अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब में बैन हुआ, उम्मीद है कि इंशाल्लाह
बाकी शहरों में भी यही वाला और बाकी सूबों में भी यही वाला मामला होगा। जी एब्सोल्युटली, आई थिंक इस पे मैं अभी नगीम सुल्ताना साहब को मैं नुमाइंद करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज के दिस इज सच अ बिजार स्टेट ऑफ अफेयर्स जो भी जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमें इस्लाम को डिफेंड करना पड़ रहा है। दिस डज नॉट मेक एनी सेंस कि हम एक छोटी सी माइनॉरिटी है, वो इस कदर रिसोर्सफुल हो गई है कि हमारे मीडिया पे उनका कब्जा हो चुका है, हमारे एकेडेमिया पे उनका कब्जा हो चुका है, और वो समझते हैं कि अभी इस मुल्क में दीन ज्यादा है। किस मुल्क में दीन ज्यादा है? जिसमें रमजान के प्रोग्राम उलमा से लेकर अदाकारों को दे दिए गए हैं, जिसमें कोई चाय की पत्ती का इश्तहार हो, बिस्किट्स हो, आइसक्रीम हो, जिसमें किसी के घर की इज्जत नाचे ना जब तक कोई लड़की हम देख रहे ना, हमारी बहन बेटी होती है, ऐसे सोसाइटी की बहन बेटी है, जब तक वो डांस ना कर रही हो तब तक आपका ड्रिंक नहीं बिकता, आपके बिस्किट नहीं बिकते। ड्रामों में जो हमारे थीम्स 5 साल चल रहे हैं जिसमें तलाक और इतनी आजादियां के विक्रम कार्ड के जरिए आप दिखाएं कि जो हरामकारी आप प्रमोट कर रहे हैं उससे ज्यादा बड़ी हरामकारी दिखा के इसको जस्टिफाई करें, ये सारा कुछ इस मुल्क में ओपनली हो रहा है। और अभी इनको गिला है कि नहीं इस्लाम थोड़ा सा ज्यादा है, इसको थोड़ा सा साइड पे करना चाहिए। नाउ इट कैन नॉट बी द केस। एक प्रोडक्ट है हमारे पास पाकिस्तान की सूरत में जो कि सालों की मेहनत का प्रोडक्ट है, वो बड़े पर्टिकुलर पर्पज की वजह से है। मैं आगे अर्ज कर रहा था कि वो फरनूद आलम साहब से जो मेरी डिबेट थी उसमें मैंने उनसे पूछा कि पाकिस्तान की क्रिएशन में आप लिबरल्स का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या किया है आपने? मैं तो ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ, हम सब जानते हैं, जो आज भी अपने प्यारों को याद करते हैं, जो नहीं आ सके। मैं जाती तौर पर जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनकी माओ के साथ वो वाकयात पेश आए कि इंसान बयान नहीं कर सकता। लिटरली मैं मुहावरा तो नहीं कह रहा, फिजिकली आप बयान नहीं कर सकते। एंड दैट वॉज द एम के हमने वो पाकिस्तान बनाना है। 70 साल के बाद आप कर नहीं नहीं यार असल में ना इस मुल्क में इस्लाम बहुत ज्यादा है, भाई आप तशरीफ ले जाएं किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे इस्लाम ज्यादा नहीं है, नो वन विल स्टॉप यू। आखिरी बात कह के वो मैं नगीन सिस्टर की तरफ जाऊंगा कि वो हमारे किसी साहब ने मुझे वो भेजा, हमारे बड़े दानश्वरी चले कहते हैं हसन असार साहब, उन्होंने कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं पाकिस्तान छोड़ जाऊं और जहां जाऊं किसी को बताऊं भी ना कि मैं पाकिस्तान से आया। तो मैंने उनको जवाब दिया कि आप ये मेहरबानी कर दें, एक दफा आप तशरीफ ले जाएं, हम भी किसी को नहीं बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं, वी प्रॉमिस यू दैट। एनीवे सिस्टर नगीन, ओवर टू योरसेल्फ, वेलकम ऑन बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी द माइक ब्रदर जियाउल हक। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फ्रॉम कराची एंड आई वॉच योर वीडियोस एंड माशाल्लाह आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं यहाँ कराची में, यूथ क्लब के भी उससे बहुत अच्छा आपने प्लेटफॉर्म एक सेटअप किया हुआ है माशाल्लाह। बेसिकली मैं ये कहने चाह रही थी कि इस तरह की अगर जो स्पेसेस हों, अगर रेगुलर बेसिस पे हों जिसमें थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि हमारे देखें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी बच्चों के लेवल पे और ये जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे भी हैं ये चीजें इन्फिल्ट्रेट कर रही हैं अब हमारे सिस्टम में, तो अगर आप हमें कोई गाइडेंस दें कि हम किस तरह से एडवोकेसी करें, किस तरह से एक्टिविज्म करें, किस तरह से हम अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, बिकॉज देखें एक आदमी अगर खड़ा होगा तो उसके पीछे 10 लोग आ जाते हैं, तो इस तरह से फिर वो चीजें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं। तो इसके हवाले से मैं कह रही थी अगर आप कुरान और हदीस पे ही मबनी, वही हमारा बेस है माशाल्लाह, उस पे रहते हुए अगर आप वीकली कोई हमारा ट्विटर पे ही स्पेस सेशन कर लें, उसको ऑर्गेनाइज कर लें, उससे एक रेगुलरली हमें एक गाइडेंस और अपडेट मिलती रहेगी। और दूसरा आपने मेरे ख्याल में लीगल एक्शन का जिक्र तो कर ही दिया है, तो एक मैं एक और स्पेस पे थी जो आजकल ये जॉयलैंड के हवाले से काफी स्पेसेस चल रही थी ट्विटर पे, तो उसमें एक है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं अजहर सिद्दीकी साहब, वो भी माशाल्लाह बहुत जो है अच्छा काम
और वो उनका तो कोर्ट्स में है ही आना जाना, लॉयर है माशाल्लाह, तो वो भी कुछ केस की बात कर रहे थे कि किस तरह से लीगल एक्शन गोइंग फॉरवर्ड जो है क्या ऑप्शंस हैं रिगार्डिंग दैट। तो उस तरह से अगर यू नो इफ ट्विटर पे होता है कि और भी लोग मिल जाते हैं, तो इस तरह से इफ वी जॉइन हैंड्स इंशाल्लाह तो हमारा एक और मजबूत और ऑर्गेनाइज्ड किस्म का हमारा एक रिस्पॉन्स आएगा। वरना ये जो लिबरल लोग हैं इनको तो लगता है ना हाँ बस इक्का दुक्का जो है, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी किसी ने आवाज उठा दी। तो एक जरा सा अगर मैं मतलब यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन के उस पे जरा सा हमारा रिस्पॉन्स जाए ना, ये सो कॉल्ड जैसे ये लोग रिलीजियस कम्युनिटी या बहुत ही मुल्ला कम्युनिटी है कहते हैं, तो इसका मैं थोड़े से बस मैं चाह रही थी आप इस पे रोशनी डालें और ट्विटर पे जरा कुछ आप रेगुलरली अगर हो सके तो प्लीज। ओके जी, जजाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। जी शराय साहब, इससे पहले आप आंसर करें, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज हमारा फोकस जो है वो ज्वेलैंड पे है, तो काइंडली मैं जितने भी हमारे ओपन मिक है ऑब्वियसली सबको मिक मिलेगा, लेकिन अगर हम फोकस इस पे कर सकें। दूसरे अगर सवाल में इख्तसार रखें, मैं बहुत ज्यादा आपका शुक्र गुजार हूँगा, बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक दिस एज मीनिंगफुल एज वी कैन। ये बाद में भी रहेगी, ट्विटर पे और भी लोग सुनने वाले आएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि जितना ज्यादा हम कॉन्टेंट हम प्रोड्यूस कर सकें ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक, यू नो, उतना ज्यादा बेहतर है। जी राय साहब। जी ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, मैं इसको सिर्फ इस एंगल से कवर करूंगा कि डेफिनेटली जो लोग दीन से मोहब्बत करने वाले हैं और जो इन फितनों को समझ रहे हैं, डेफिनेटली उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, उनको चाहिए कि वो भी आपस में मुतहद हो जाएं। एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस भी हैं, तो आप उन चीजों पर इकट्ठे हों जिसको अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि ताउन अल बिर्री व तक्वा, कि खैर के कामों में जो है वो ताउन करें आप। और कुछ चीजें हैं, और मैं समझता हूँ कि इस मसले पे खासतौर पे एलजीबीटी वाले पे हमारी लगता है जैसे पूरी कौम जो है ना और सारी रिलीजियस पार्टीज भी जो है वो भी एक पेज पे काइंड ऑफ आ गई, हर किसी की तरफ से मुख्तलिफ जो आपके मकसद फिक्र हैं उनकी तरफ से इसके ऊपर बयानात भी आए और स्टेटमेंट्स आई और बहुत सारी चीजें। तो शायद अल्लाह ताला ने वो कहते हैं ना कि एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, तो परहैप्स इसी पूरे ये जो सब कुछ क्रिएट हुआ है उसके जरिए अल्लाह ताला ने हमारे जुड़ने का कोई सबब बना दिया हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कम से कम ये फायदा हुआ है कि मैं इस इशू के थ्रू आई हैव बीन इन टच विद सम पीपल दैट आई वाज नॉट इन टच विद बिफोर। अल्लाह ताला ने उनके साथ मुलाकात करवाई और पता चला कि देयर आर अ लॉट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एंड सो ऑन। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस एतबार से इसके ऊपर एक थोड़ी सी खुशी भी महसूस होनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जोड़ा है, और मजीद अल्लाह ताला हमें इसी तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमीन। सिस्टर नगीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मेरे पास जो ऑर्डर है, अनस साहब हैं, उसके बाद सभी हैं, मजर हैं और इवोल्यूशन हैं, फिर मेरे साथ है मोहम्मद साद और आई बिलीव महरीन साहिबा थी, बट आई एम नॉट एंटायरली श्योर व्हाट हैपेंड टू हर। एनीवे, दिस इज द ऑर्डर दैट आई हैव, सो लेट अस क्विकली गो टू जनाब अनस साहब। आप स्पीकर हैं, जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो अच्छा मेरा सवाल ये था कि मतलब आपने भी बताया कि इस फिल्म की डिसलाइकिंग ज्यादा है और ज्यादा आवाम जो है वो इसको डिसलाइक करती है, लेकिन जब हम देखते हैं इस तरह की फिल्म या ड्रामाज आते हैं तो रेटिंग भी मतलब उसकी अनबिलीवेबल किस्म की होती है या जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होती है, तो और वो यही इसी चीज को और भी बढ़ाते हैं कि देखें ना कि क्राइटेरिया जो है, ये तो मैं आपको डेटा की बेस पे आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैंने पाकिस्तान के बहुत दाना बीना लोगों से ये बात की भी है, एंड वी आर एब्सोल्युटली कन्विंस्ड कि पाकिस्तान में जो आम तौर पे ड्रामा हिट होता है वो इसलिए नहीं होता कि लोग जेन्युइनली उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, बल्कि वो इसलिए हिट होता है कि और कुछ मीडिया के पास देखने के लिए, लोगों के पास है कुछ नहीं देखने को, वही कुछ टॉपिक्स हैं, वही हर मीडिया पे वही ड्रामे चल रहे होते हैं। ऑफिस से आप थके हारे आते हैं, आप स्कूल टीचर हैं, आप पढ़ा के आई हैं, आप थोड़ा सा रिफ्रेश होना है, टीवी ऑन करते हैं, एंड देन यू विल वॉच व्हाटएवर इज अवेलेबल। एंड देयर इज अ रीजन कि जो अर्थुल गाजी और सिलेक्टेड ड्रामों के खिलाफ एक फ्यूरियस रेजिस्टेंस हमारे अदाकारों ने और हमारी मीडिया ने जो पुट अप की थी, उसकी वजह ये थी कि लोग एक्चुअली उस तरफ जाना शुरू हो गए थे कि एक अल्टरनेटिव जॉनरा मिल गया था जो कि इनको हजम नहीं हुआ और इन्होंने बड़े फ्यूरियसली उसको रेजिस्ट किया। तो वो तो एक जनरल स्टेट ऑफ अफेयर्स है। ये स्पेसिफिक फिल्म कितनी हिट होगी, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि अगर पाकिस्तान भर में ये रिलीज हो जाती, इवन पंजाब में भी इसको अगर रिलीज कर देते हैं, तो गवर्नमेंट इस फिल्म को रिलीज कर सकती है, जबरदस्ती हमें दिखा नहीं सकती। वाइल्स इट इज ट्रू
कि बहुत से लोग क्यूरियोसिटी की वजह से जाएंगे, वो देखना चाहेंगे शायद इसमें है क्या, बहुत से लोग इसलिए जाएंगे गुनाह में अट्रैक्शन होती है, बहुत से लोग पीपल डू दैट, लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि अगर हमने ये दर बंद करना है तो सोशल बायकॉट एक जरूर होना चाहिए कि लोग ना जाएं, लोग ना देखें। ये मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि लोग अगर देखेंगे भी तो फिर भी वो उसका इफेक्ट नहीं लेंगे इन अ वे के उस फिल्म को वो उसको जाके देख के तो वो उस आइडिया से कन्विंस्ड हो गए हैं। आई डोंट थिंक दैट विल एवर हैपन। अगर वो बात होती तो इस मुल्क में फिर जितने अरसे से हम वो फिल्मों में देख रहे हैं मार धाड़ और ये फिर वही चल रहा होता। सिर्फ यहाँ नहीं, हॉलीवुड में जिस लेवल पे डिस्ट्रक्शन दिखाई देती है वहाँ के लोग भी ऐसे ही होते। सो अगेन आई डोंट थिंक पीपल विल गैदर इंस्पिरेशन, बट एटलीस्ट पीपल शुड मेक देयर स्टांस वेरी क्लियर कि भाई हम ये मूवी देखने नहीं जाएंगे। आई कंप्लीटली एग्री विद यू। इंशाल्लाह इस पे हम एक अपने सेपरेट मूवमेंट भी हम चलाएंगे। थैंक यू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा जनाब शोएब साहब के पास, शोएब मोहसिन सलीम। आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा दैट नाउ यू कैन टॉक अबाउट योरसेल्फ सर। हेलो। जी जी हेलो, आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, मेरा नाम जी। वालेकुम अस्सलाम। ओके अच्छा वो स्किप हो गए जो दूसरे भाई थे। आई थिंक यू ओके दैट्स फाइन। सो आई थिंक वो स्क्रॉलिंग में इशू हुआ। एनीवे वेलकम ऑन बोर्ड। फरमाइए। अच्छा मेरा व्यू थोड़ा आप लोगों से डिफरेंट है, उम्मीद करता हूं किसी को माइंड तो नहीं करेगा, लेकिन सारों की डिफरेंट होती है। आपको तो दिल से वेलकम करते हैं। अपोजिंग व्यूअर्स वाले हमें बड़े अच्छे लगते हैं, सो लॉन्ग एज वी कैन डू दैट रिस्पेक्टफुली। सो प्लीज गो ऑन सर। उसमें आप लोगों ने बहुत सारी बातें की, देखें उसमें कुछ हर एक की अपनी राय होती है, कुछ को कुछ सही लगता है, कुछ को कुछ गलत लगता है। अब जैसे ये बात आपने की ना कि कोई देखेगा नहीं, बिल्कुल देखें। मेरे ख्याल से तो इसको लगा भी देना, अगर जिसने नहीं देखनी वो नहीं देखेगा। जैसे अब बात वो गलत है, लेकिन जैसे पोर्नोग्राफी है हमारे मुल्क में बैन है जी, फिल्टर भी हुकूमत ने अपनी तरफ से मैयर्स लगाए हुए हैं कि आप नहीं देख सकते, लेकिन जिसने देखना है वो वीपीएन या बहुत सारे मैयर्स हैं जहाँ से वो चला जाता है। अब आप उसको तो नहीं रोक सकते, एक बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि फिल्म जो है वो मेरे ख्याल से शायद एक मॉरल कंपस नहीं होती उसकी कोई, कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। वो माशरे की अक्कासी शायद, अगर मेरी ओपिनियन में आप डिसएग्री कर सकते हैं। जैसे मतलब मैं अभी कल ही पढ़ रहा था कि एक शारंग शायद शहर है जहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी बच्चों के साथ, होमोसेक्सुअलिटी तो और चीज़ है, सोडोमी मतलब बच्चों के साथ रेप किया जाता है, और उनके पेरेंट्स भी उसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनकी इनकम है, वो माइंस में काम करते हैं बेचारे बच्चे। पिशावर इज नोन, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं आपके, ठीक है। दूसरी बात यह कि जो ट्रांसजेंडर है उनकी भी तो लाइफ है ना, सब मेरे ख्याल से सब नहीं देखा होगा कि दो ही काम वो करते हैं बेचारे, या तो वो सेक्स वर्क करते हैं या उन्हें भीख मांगनी पड़ती है। मैं खुद एक केस जानता हूँ कि देखें, वो तो एक तो होता है ना कि सुनी सुनाई बातें होती हैं, तो बेचारा उसने मतलब उसमें वो फेमिनिन सारी वो टच जो मतलब होती है ना, उसने उसको लिया कि यार नहीं मैं मांगूंगा नहीं ना मैं ये सेक्स वर्क। हमारे इधर मतलब वो ना पिंडी का हूँ तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है ये फैजाबाद के करीब जो है ना ये काम। तो उस बेचारे ने पैसे या कुछ जमा करके वीक मांगे जो भी उसने किया था, उसने एक टेलर शॉप खोली। अब जैसे ही लोगों को पता चला कि यार ये एज अ फेमिनिन टच हो, ये ट्रांसजेंडर था या नहीं भी था या जो भी था उसका, तो उन्होंने मेक श्योर किया कि या तो वो तंग होकर ही बंद कर दे, और विद इन वन मंथ उस बेचारे को वो कहाँ गया मुझे नहीं पता। अब आप बैन करें, आप अगर लगता है आपको गलत है, देखिए होमोसेक्सुअलिटी हम जिंग मुस्लिम हम सारे मानते हैं कि ये हराम है, लेकिन अगर कोई डिसएग्री भी करता है तो इसको इस्लाम से बाहर ना करें ना बेचारे को, कि उसकी कोई ओपिनियन होगी, कोई एक्सपीरियंस होगा, कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं इस पे अच्छा मैं आपसे दो तीन सवाल मैं पूछना चाहूंगा, इसलिए कि गुफ्तगू हमारी थोड़ी सी बिखर रही है। आखिरी जो बात आपने कही इससे स्टार्ट करते हैं कि देखिए गुनाह में और बगावत में बड़ा फर्क होता है। अल्लाह ताला ने तो कुरान में जगह जगह कहा है कि मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। कब माफ कर दूंगा? जब माफी मांगोगे। माफी कब मांगोगे? जब गुनाह को गुनाह समझोगे। गुनाह में और बगावत में फर्क होता है। रब के यहाँ गुनाहों की माफी है, बगावतों की नहीं है। बगावत उस वक्त होती है जब आप उसको उसकी एक जस्टिफिकेशन देते हैं, जब आप कहते हैं ये काम ठीक है, जो काम इब्लीस ने किया था, जस्टिफिकेशन दी थी कि मैं इससे बरतर हूं, तेरे हुक्म में क्यों सजदा करूं, मैं आग का बना हूं, सो ऑन सो फोर्थ, तो सारा बाकी आपको पता है। कोई आदमी अपनी जाती जिंदगी में गुनाह करता है, मैं उस आदमी का जज नहीं, वो खुद उसे गुनाह समझता है ना, वो अल्लाह से माफी मांग सकता है। लेकिन जब आप सिस्टमेटिकली एक चीज को ठीक बना के आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर आप जहन साजी कर रहे हैं किसके खिलाफ? शरीयत के खिलाफ। जबकि कुरान में वाज़े फैसला है कि जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल एक चीज पे
लेजिस्लेट कर देते हैं तो फिर किसी मोमन मर्द और मोमन औरत के पास हक नहीं है कि वो अपनी डिस्क्रेशन को अपनी स्वाबदीद को इख्तियार करे। फिर ऐसा मुस्लिम आपकी काम नहीं कर सकते, बिल्कुल सही, गुनाह करें वो एक और चीज है, उसकी जस्टिफिकेशन दें तो फिर आप फिर इस्लाम से बाहर, अगर फिर हम नहीं कर रहे, वो खुद को इस्लाम से बाहर लेके चला गया है बगावत करके, तो वो हम पे नहीं है। दूसरी बात आपने जो कहा कि ट्रांसजेंडर की अपनी जिंदगी है, आई एब्सोल्युटली एग्री विद इट कि ट्रांसजेंडर की अपनी जिंदगी है। ट्रांसजेंडर यहाँ पे मैं कोलोकल टर्म में यूज करूँगा, वैसे इस्लाम में ट्रांसजेंडर नाम की कोई टर्म है नहीं, लेकिन जो अवामी तौर पर इस्तेमाल की जाती है, मैं उस हवाले से मैं कर रहा हूँ कि आप एक फिल्म बनाए जिसमें आप दिखाएं कि एक आदमी है, खुनसा है, उसने टेलर शॉप बनाई है अगेंस्ट द ऑड्स, लोगों ने उसे तंग किया, परेशान किया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने आप को साबित किया, उसने पाकिस्तान में सबसे बड़ा ब्रांड कपड़ों का उसने लॉन्च कर दिया, वी आर गोइंग टू स्टैंड विद यू, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि खुनसा की आजादी इस चीज में है कि वो ओपनली दिखाया जाए कि एक मर्द उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में एंगेज है, उसके साथ बोसो किनार कर रहा है, ये कैसी आजादी है? आप तो फिर उसको फर्दर उसी सेक्स वर्क के अंदर और घुसेड़ रहे हैं कि वो उसी को अपनी आजादी समझना शुरू कर दे। That's just utter nonsense. ये फिल्म बनाने वालों को सोचना चाहिए कि इसकी आजादी उसमें नहीं है। किसी मुसलमान मर्द या मुसलमान औरत को यह गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि जो खुनसा है, जो कि एक टेम्परेरी टर्म है, कि जब तक रियासत शरीय असूलों के तहत डिक्लेयर ना कर दे कि इवेंचुअली ये मर्द या औरत को इस्लाम में सिर्फ बाइनरी है, इस्लाम में और साइंटिफिक स्पीकिंग बाइनरी है, इट्स इम्पॉसिबल कि आपकी जो सिन्फ और जिंस है उसमें अगर मुमासलत नहीं है तो वो एक बीमारी है, जेंडर डिस्फोरिया उसे कहा जाता है, दैट्स नॉट अ साइंटिफिक एक्सेप्टेबल थिंग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान वो समझता है कि मैं मदद करना चाहता हूँ, मैं इनके लिए काम करना चाहता हूँ, तो उसका तरीकाकार ये है कि उस पे उनके लिए कानून साजी करे। जैसे अभी खुनसा प्रोटेक्शन एक्ट किया है, बिल जो है वो असेंबली में गया है, मैंने उसमें दो प्रोविजंस मैंने सजेस्ट की थी, वो दोनों ही एक्सेप्ट कर ली गई हैं, जिसमें पहली ये थी कि सबसे पहले खुनसा बच्चे का हक है कि उसके माँ बाप उसको डिसोन ना करें, उसे किसी गुरु के पास ना भेजें, सजा होनी चाहिए उन वालदैन को। बिल्कुल, आप इस तरह से फिल्म बनाएं, इस तरह से उन्हें प्रमोट करें, हमें क्या एतराज हो सकता है? वी हैव नो प्रॉब्लम विद इट। तीसरी जो आपने बात कही कि अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो हमें उसमें क्या एतराज होना चाहिए, वेल वेस्ट में एक ग्रोइंग मार्केट बन रही है इंसेस्ट की, और मार्केट में इसलिए कह रहा हूँ कि वो पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री में एक बड़ा अहम हिस्सा बन चुकी है, और जब कोई प्रैक्टिस इंडस्ट्री का दर्जा बना लेती है तो उसका मतलब यह है कि उसके देखने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं, उसमें पैसा भी है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स एन इंडस्ट्री। हाउ वुड यू फील सभी साहब के कल पाकिस्तान में अगर हम एक ऐसी फिल्म बनाए जिसमें एक बाप और बेटी आपस में मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हैं, और ये जवाब देने से पहले ये जहन में रखिएगा कि जितने इस आर्गुमेंट्स इस फिल्म को जॉयलैंड को जस्टिफाई करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे आर्गुमेंट हम उसे भी जस्टिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। हाउ वुड यू फील अबाउट दैट? देखिए, अच्छा कैसर भाई, एक तो ये जो हमने बनाया है ना इमेज के खानदानी निजाम हमारा सिर्फ पाकिस्तान में ही है या मुस्लिम कंट्रीज में ही है, लेकिन ये ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत बड़ा झूठ है। हमारी सभी सब मैं माफी चाहता हूँ कदाकलामी की, माजरत, मेरा सवाल ये नहीं है, मेरे और लोगों को भी देना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से कंक्लूड करके पे चलें। इंसेस्ट पे अगर हम फिल्म बनाते हैं और यही आर्गुमेंट्स यूज करते हैं, वुड यू बी कंफर्टेबल विद दैट? नहीं, देखें नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी यही बात कही थी कि देखें कुछ लोग उसको ठीक मानते हैं, कुछ गलत मानते हैं, जिसने नहीं देखनी वो नहीं देखेगा, जिसने देखनी है वो इंश्योर करेगा, उसे नेटफ्लिक्स पर देख लेनी है, उसने कहीं पर भी देखनी है। तो इसी आर्गुमेंट को यूज करके हम फिर एक इंसेस्ट वाली फिल्म बनाते हैं कि जिसने देखनी है वो देखेगा, जिसने नहीं देखनी वो नहीं देखेगा। आपने अपना वो कर दिया ना कि भाई हम इसके खिलाफ हैं, ये गलत है, आप प्रोटेस्ट कर लें, ठीक है, लेकिन आप आउट राइट देखे बगैर ही, अब वो जो सेनेटर है उन्होंने फिल्म देखी ही नहीं है और कह रहे मैंने देखी नहीं है, मैंने सुना है और मैं इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। अब हजूर ने तो ये फरमाया है कि किसी आदमी के झूठे होने के लिए यही काफी है कि वो बगैर तस्दीक के कोई बात आगे कर, ठीक है, जिस फिल्म को क्वेयर पॉप अवार्ड मिला उसके लिए आपको और क्या तस्दीक की जरूरत होगी कि ये लास्ट नहीं कर रही है? सभी सब आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। बीइंग अ सेनेटर, अच्छा मैं लास्ट बात करूंगा कि होमोसेक्सुअलिटी को आप देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखें ना, आप डिनाई करते हैं कि
आप डिनाई करते हैं कि इस फिल्म में एक मर्द का मर्द के साथ मुआशरा दिखाया गया है? देखिए, आपके मुआशरे में वो एग्जिस्ट करता है, अगर आप इसको डिनाई करें ना तो ये भी आप झूठ बोलते हैं। मैं डिनाई नहीं करता, मेरे माशरे में शराब भी होती है, मेरे माशरे में और बहुत कुछ होता सब है, कुछ होता लेकिन हम उनको ग्लोरीफाई नहीं करते। इस नहीं, ग्लोरीफाई कोई भी नहीं। देखें, अगर जॉय लैंड को कोई इसलिए कह रहा है कि नहीं नहीं यार ये इस लाइफ को होना चाहिए, है पाकिस्तान, ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँ, मैं ये भी कह दूँ कि नहीं, ये बहुत सारे लोग हैं जो होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट नहीं करते, प्रमोट करते करने वाले भी हैं, लेकिन देखें जिसने नहीं करना ना वो नहीं करेगा, और ये फैल नहीं सकती। हर माशरे में अच्छा बुरा गंद सब कुछ होता है, लेकिन आपने उसको क्या करना है, आपने आपका अपना आर्गुमेंट ये है ना कि आप इंसेस्ट वाली फिल्म से अनकंफर्टेबल होंगे और आपके लिए काबिल कबूल नहीं होगी, व्हाई मेक डिफरेंट जजमेंट फॉर दिस? ये भी जो हमारा सोशल फैब्रिक है, हमारी मोरालिटी के, ये भी उतनी ही खराब है जितनी वो खराब है। दो मेयर क्यों रखते हैं आप? फिर आखिरी आपसे मैं सवाल करूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ना चाहेंगे। चलो, मेरा तो वही था कि देखें जो चीज सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है वो है, या जो इंसेस्ट कह रहे हैं ये ऑल ओवर द ग्लोब एक्सेप्टेबल है कि ये एक गलत फेल है। मैंने तो आपको बताया है कि इस पे वेस्ट की पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है। सर, खुदा का खौफ करें, आप चेक कर लें, लॉ में देख लें, ये पनिशेबल है। मैं पनिशेबल, मैं आपको शायद बेहतर पता हो, पनिशेबल इज वन थिंग, कोकेन इज पनिशेबल, लेकिन उसकी पूरी इंडस्ट्री मौजूद है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट पनिशेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर आप इस पर उसको करें, देखें ना, आर्गुमेंट को अपनी तरफ मोल्ड हर कोई कर सकता है, लेकिन हमें फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड कैसे, मुझे बताएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड की हम क्या डेफिनेशन देते हैं? देखें, अगर आप होप करता हूं कि आप भी इंटरनेशनल कम्युनिटी, आप भी उन लोगों में से नहीं होंगे जो कि वेस्ट के ताकतवर 12-15 मुल्क, वैसे तो 50 से ज्यादा है, वो 52 मुल्क है, लेकिन 12-15 है जिनकी दुनिया पे छाप है, कि अगर आप उस माइनॉरिटी को अगर आप इंटरनेशनल कम्युनिटी कहते हैं तो फिर टर्म्स मेरे ख्याल में आपको अपडेट करनी चाहिए। हम तो उन्हें नहीं कहते कि आप होमोसेक्सुअलिटी को बैन कर, हम ये कहते हैं ये गलत है, लेकिन आपका मुल्क है, ठीक है आप करें, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि उनकी अकल को हम अपनी तहजीब का मियार बनाएं और कहें कि चूंकि वो कह रहे हैं तो फिर ये पूरी दुनिया में ऐसा ही होता होगा। दैट इज नॉट ट्रू। साउथ अमेरिका में ऐसा नहीं होता, अफ्रीका में ऐसा नहीं होता। क्या उनको हम इंसान ही नहीं समझते? प्रोबेबली इसलिए कि उनका शायद रंग गोरा नहीं है। इज दैट द आर्गुमेंट? मैंने अपने आर्गुमेंट में कहीं कहा है कि वेस्ट कहता है इसलिए कर, आप कह रहे हैं ना कि बाकी सारी दुनिया में, तो मैं बाकी सारी दुनिया, मैंने वही आपसे बात कर रहा था, शायद बात लंबी हो रही है, कि मेरे आर्गुमेंट को आप ट्विस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा था कि ये होमोसेक्सुअलिटी एग्जिस्ट करती है आपकी सोसाइटी में, और फिल्म जो है वो आपकी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, इसमें राइट है रॉन्ग है, मॉरल कंपास नहीं होती उसकी। चले, प्रॉमिस, आखिरी क्वेश्चन आपसे, वो भी आपका आर्गुमेंट में से देखना चाह रहा हूँ कि ये कहाँ पे कंसिस्टेंटली अप्लाई हो सकता है, कि आपने कहा कि होमोसेक्सुअलिटी पूरी दुनिया में चूंकि उसे जुर्म नहीं समझा जाता, देयरफॉर देयर इज वन थिंग, और जो इनसेस्ट है पूरी दुनिया में गलत समझा जाता है। सो लेट अस से कि कल पूरी दुनिया में इनसेस्ट भी लीगल हो जाए, तो फिर पाकिस्तान में इनसेस्ट वाली फिल्म आपके लिए काबिल कबूल होगी? नहीं सर, देखें हो नहीं सकती, हमारे हमारे लिए अगर एक चीज गलत है होमोसेक्सुअलिटी, हम उसको नहीं मानते, ठीक है ना, लेकिन एक चीज उसमें एग्जिस्ट करती है सोसाइटी में, तो आप उसको क्यों इग्नोर कर? Exist is a different thing. हमारा existence से तो कोई problem है ही नहीं, हमारी इसकी lawful existence से problem है कि क्या उसको legal status देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। We are of the opinion, majority of Pakistanis के नहीं देना चाहिए। अगर आप democracy के हक में हैं तो फिर आप democracy को you cannot use democracy against its own self. ये नहीं हो सकता। I'm sorry to say this, लेकिन जितनी ये मदारिस में है उस पर कोई भी नहीं बोलता। क्यों नहीं सब खामोश हो जाते हैं? क्यों नहीं बोलता? सारे खामोश हो जाते हैं भाई, हम बोलते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मदारिस में जब भी ऐसा होता है उसके खिलाफ हम रेजिस्ट करते हैं, लेकिन जब उनको सजाएं देने का मामला आता है तो लिबरल ह्यूमन राइट्स के नाम पे उन मुजरिमों के साथ खड़े होते हैं, हम उनके साथ खड़े नहीं होते। किसी को भी लिबरल कह देते हैं, किसी को कह देते हैं, कोई भी चाइल्ड मैं नहीं, चाइल्ड अब्यूजर के साथ खड़े नहीं होते, वो ये कहते हैं कि इनको ये सजा ना दें, बल्कि वो दें जो वेस्ट वाले समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स के साथ अकॉर्ड करती है। हम तो कहते हैं कि सजाए मौत दें उसको, क्यों ना दें? वो कहते हैं नहीं, सजाए मौत जो होती है ना ये अच्छी सजा नहीं होती। सर वो बहुत ही स्मॉल तबका है, आपने सारों को उसमें डाल देते हैं, ये गलत। मैंने आप चले आप उसमें नहीं हो तो मुझे अच्छा लगा ये जानकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ लाया, बहुत बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूँ। No, अपनी ओपिनियन पता चलती है, कोई उनकी भी होती है कि यहाँ पे मैं गलत हूँ,
जैसे आपका इंसेस्ट वाला पॉइंट बड़ा वैलिड है, ये नहीं कहता कि नहीं नहीं आप बिल्कुल ही गलत हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाए सफरी साहब। थैंक यू, आपसे आप इजाजत चाहेंगे। अच्छा मजहर साहब है, रजा जया साहब मैं माजर चाहता हूँ, सारा जवाब नहीं दे दिया। अब नेक्स्ट जो मजहर साहब का ओपिनियन होगा दैट बिलोंग्स टू यू। जी मजहर साहब, मजहर साहब माइक आपके पास है, वो डी डॉक्टर सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। खैर साहब मैं एक सवाल पूछना चाहता था कि जैसे कि आपने पहले बात की है कि हम बहुत ही डिफेंसिव हो के एक इस्लामिक कंट्री के अंदर इतना डिफेंसिव हो के हम बात करते हैं कि वो उस तरफ से भी लिबरल तबके की तरफ से ये ताने भी मिलते हैं कि इस्लाम को खतरे में पड़ जाता है, एक फिल्म से इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। तो मेरा ये सवाल था कि हम कैसे इकदामी तौर पर कैसे इसको इस हवाले से काम कर सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 31 आर्टिकल जो कि एक रियासत का वो फर्ज करार देता है पाकिस्तानी रियासत को कि एक इस्लामी माहौल फराहम किया जाए उसके शहरियों को, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने की सहूलत दी जाए। तो इस आर्टिकल की बुनियाद पर रियासत को ये दबाव नहीं बढ़ाया जा सकता कि इस तरह की सारी सरगर्मियों को रद्द किया जाए और एक इस्लामी माशरा को परवान चढ़ाया जाए, ये मैं क्वेश्चन करना। जी श्योर जी राजा जिया साहब। जी जजाकल्ला खैर आपके सवाल का। असल में देखिए हमारे यहाँ पे एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व किया पर्सनली वो ये है कि एक दफा मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में जो फेडरल सर्किट कोर्ट के एक जज साहब हैं उनके साथ मेरी मुलाकात हुई और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये पाकिस्तान का जो कानून है ये मतलब कोई इस्लामी कानून है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें हैं भी जो कि अल्लाह ताला की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करती हैं और ये कहती हैं कि जी यहाँ पे जो भी कानून साजी होगी वो कुरान सुन्नत के मुताबिक होगी और उसके खिलाफ कुछ नहीं होगा वगैरह वगैरह, ये चीजें उसमें मौजूद है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे कानून ऐसे पास हो जाते हैं या बहुत सारे सिस्टम जैसे इन प्लेस हैं जो कि शायद गैर शरई हैं, चाहे वो सूद का निज़ाम हो या वो और मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो हमें बेहयाई या और चीजें डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नजर आती हो, तो वो चीजें हमें क्यों इस तरह से नजर आती हैं। तो उन जज साहब ने मुझे जवाब में कहा कि देखें आप इस वक्त जो लोग हैं हमारे पाकिस्तान में उनको आप क्या समझते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जी हैं तो वो मुसलमान ही है, बस वही बात है कि थोड़े से हमारी भी नालायकी है, लेकिन उनको मैं ये तो नहीं कहता कि वो कोई काफिर है, मैं तो मुसलमान है। तो उन्होंने कहा बेटा बिल्कुल ऐसा ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है वो कलमा पढ़ा हुआ है और अब जो है ना बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि उसमें हो रही हैं जो कि शरीयत के साथ टकरा रही हैं, लेकिन बहरहाल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कम अज कम अल्लाह ताला की सॉवरेंटी को तो मानता है और ये भी कहता है कि जी यहाँ पे जो होगा वो कुरान सुन्नत के मुताबिक होगा। अब देखिए हम जो लोग हैं ना जो सिटीजन हैं उनका काम बनता है कि वो आपस में कलेक्टिव अपना फॉर्म करें और कहीं पे भी कोई ऐसा उनको मसला जहाँ पे नजर आए वहां पे अपनी आवाजों को बुलंद करें, फेडरल शरीयत कोर्ट में जाएं, जो जो ऐसे इदारे हैं जो असर रसूख रखते हैं वहां तक जाएं और अपनी बात पहुंचाएं। असल में प्रॉब्लम ये है कि कैसर भाई आप इस पे ज्यादा इंशाल्लाह जो है ना एलैबोरेट भी कर सकते हैं कि ये जो लिबरलिज्म और ये सारी चीजें हमारी तरफ यहाँ पे आती हैं उसके अंदर एक साइड इफेक्ट उसका ये है कि हम लोग इस पूरे निज़ाम के अंदर जो है ना हम अपने एक नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर बंदा जो है वो अपने अपनी जो है वो एक अमेरिकन ड्रीम को फुलफिल करने के चक्करों में है, हर बंदा जो है वो अपने रोजी रोटी के पीछे लगा हुआ है, वो अपने अपनी वेल्थ को बढ़ाने के चक्करों में है, जो कि ठीक है आपको मतलब करना भी चाहिए, लेकिन इस एक्सटेंट तक कि आपके मुल्क में कुछ भी हो जाए कोई कानून पास हो जाए यानी आपके नाक पे मक्खी नहीं बैठती कि भाई ये हुआ क्या है हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, हमारे फ्यूचर के साथ क्या हो रहा है, जब तक कि मतलब कोई मामला अल्लाह माफ करे मेरे घर तक नहीं पहुंचेगा तब तक मुझे शायद कंसर्न नहीं होगा उसका कि पूरे मुल्क में किस किस्म के लॉज बन रहे हैं कानून बन रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा हमें पॉलिटिकली भी अवेयर होना चाहिए और सोशली भी एक्टिव होना चाहिए कि जहां पे हमें कोई ऐसी चीज नजर आए जो कि खिलाफ शरीयत है उसमें हम लोग आपस में इकट्ठे हों। जिस तरह पहले भी जो बहन ने सवाल किया था उसके जवाब में भी मैंने ये कहा था कि हमें लाइक माइंडेड जो लोग हैं उनको एक साथ मिलना चाहिए, आपस में नोट शेयरिंग करनी चाहिए और जो जो बंदा जहां जहां पे भी है जो किसी एतबार से भी हेल्प कर सकता है, जब तक हम लोग सारे इकट्ठे नहीं होंगे तो कोई भी लॉस्ट जो है ना लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन जो है उसकी तरफ जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आई थिंक ये वक्त आ चुका है कि हम लोग कलेक्टिव होके आपस में एक दूसरे की मदद करें इन्हीं कामों का। जी एब्सोल्युटली बिल्कुल यही तरीकाकार है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, शरीयत भी यही बताती है कि मिलजुल के करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। बाकी जहां तक ताल्लुक है कि हमारे प्रैक्टिकली हम क्या कर सकते हैं, आई थिंक प्रैक्टिकली हमने कुछ ज्यादा किया नहीं आज तक, यही वजह है कि ये लोग बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के यहाँ तक पहुंच गए हैं। आई मीन देखना ये एक साइलेंट कू हुआ है, हमारा एकेडमिया
इन लोगों के कब्जे में आ गया है, तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ, उसके पीछे बड़ा टाइम लगा है, खामोशी के साथ मूव किया गया, हमारा मीडिया इन लोगों ने उसमें कब्जा कर लिया, हमारे सामने सामने कर लिया। देखिए हमारा जो उस दिन भी ये बात हो रही थी अपना राजा जिया साहब के पॉडकास्ट पे, कि हमें हमारा रिलीजियस नैरेटिव जो है वो ये है कि बुराई जब कभी अच्छाई से जीतती है इंसिडेंटली, उस पर गालिब आती है, तो वो इसलिए नहीं होती कि उसकी नेचर में स्ट्रेंथ होती है, बल्कि बुराई इसलिए अच्छाई पे गालिब आ जाती है कि अच्छे लोग खामोश होकर घरों में बैठ जाते हैं। अगर हम हक का दिफा नहीं करेंगे तो हक हमारा दिफा नहीं करेगा। देर आर नो टू वेज अबाउट इट। रब के निजाम को कोई फर्क नहीं पड़ता, रब को कोई फर्क नहीं पड़ता, इस्लाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। देर हैज टू बी अ क्वेश्चन के इवन आज भी एक बहुत बड़े एकेडमिक हैं, उनके माफी चाहूंगा ब्राइन सर नाम है उनका, फर्स्ट नेम मैं भूल के मैं माफी चाहता हूँ, वेस्ट में, आज वो मुसलमान हुए हैं। धड़ाधड़ कितने ही एकेडमिया में हमारे पास कितने बड़े बड़े नाम है वेस्ट में लोग हैं जो इस मजहब को पढ़ते हैं, वो मुसलमान होते हैं। तो अल्लाह ताला का निज़ाम तो अपनी जगह पे मौजूद है कि जहां से लिबरलिज्म उसका स्पिरिचुअल घर है वो वहां पे भी घर हो रहा है, और वहां पे लोग दार इस्लाम में आ रहे हैं और सिस्टम में भी जाते हैं, इस्लाम में ज्यादा आते हैं। वहां पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी एग्जिस्टेंस का फायदा उठाएं या ना उठाएं, रब का निज़ाम इस दुनिया पे कायम होना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। वेदर सवाल हम पे ये है कि क्या हम उस कार्य खैर में हिस्सा डाल के वफादारों की लिस्ट में अपना नाम लिखवा सकते हैं, या हशर के दिन हमारा नाम भी वफाओं की लिस्ट में लिखा होगा। अल्टीमेटली दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वी हैव टू एड्रेस, एंड इफ वी कैन गेट दिस वन राइट एवरीथिंग एल्स कम्स इजी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदर साहब, थैंक यू। मैं अब बढ़ना चाहूंगा इवोल्यूशन साहब की तरफ, उनका जो क्वेश्चन है। जी इवोल्यूशन माइक अब आपके पास है, काइंडली फरमाइए क्या कहना चाहते हैं आप। जी जी रोशन साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। जी जी वो स्पीकर आपने अभी ऑन किया है ना। अच्छा मैं जो है ना, मैं इस्लामी जमीयत तलबा का रुकन रहा हूँ और आजकल मैं एथियस्ट हूँ। तो मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जो सैयद मौदूदी साहब की एक मैंने वो पढ़ी थी, वो कह रहे हैं कि दो किस्म के अखलाकियात, मजहब जो है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक होता है थियोलॉजी, दूसरा होता है मोरालिटी। मोरालिटी को मौदूदी साहब ने फिर कहा कि दो किस्म की मोरालिटीज हैं, एक इंसानी बुनियादी अखलाकियात है और दूसरे दीनी अखलाकियात। सही है जी। अच्छा आपका आज के हमारा जो टॉपिक है इससे रिलेटेड है, बल्कि ये इससे ज्यादा रिलेटेड है जो आप डिस्कस कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि जो दीनी अखलाकियात है, सही है, क्या वो उन लोगों के लिए भी उतने ही एप्लीकेबल होंगे जो कि रिलीजन को मानते ही नहीं है, जिनका रिलीजन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो भी पाकिस्तानी सिटीजन हैं। अब ये कि या तो फिर रियासत चाहे वो फोर्स से मना ले या उनको कन्विंस कर ले, हालांकि हमारे यहाँ रियासत चाहे वो एक हाइब्रिड रियासत है, इट्स नॉट रियली एन इस्लामिक स्टेट, इट्स अ हाइब्रिड स्टेट। यहाँ पे सारा कॉमन लॉ वेस्टर्न है, यहाँ पे हम सारा निज़ाम जो है वो एक वेस्टर्न सिस्टम है, बाकी उसमें इनकरियंस हैं जिसको आप इस्लामी कहते हैं, जो जिसकी लिमिट्स हैं, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल मैटर्स भी चूंकि रिलीजन कामयाब नहीं होता। इसलिए एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि बेसिकली जो जो फंडामेंटल क्रिटिसिज्म है ना सेकुलर्स का और एथियस्ट का, वो ये कि रिलीजियस मोरालिटी असल में मोरालिटी होती नहीं है, क्योंकि क्योंकि देखें रिलीजियस नैरेटिव्स तो बहुत सारी अजीबोगरीब होती है। मसलन ये कि एडम की जो औलाद थी क्या उनके दरमियान इंसेस्ट था, मसलन ये कि ये जो क्या हम इवॉल्व हुए हैं, मतलब फंडामेंटल क्रिटिसिज्म है, रिलीजन को लोग मानते ही नहीं है, देयर इज नो लाइक। तो इसलिए मोरालिटी इज कैसल्ड इन द हार्ट्स ऑफ द मॉर्टल्स, either we believe in it or we don't, there's no force that can actually compel people. Morality according to me is an evolved trait, whatever is harmonious to society remains and other moral values are discarded, unless there is some kind of dictatorship or force which would force you to accept a notion of morality which is your notion of morality but not mine.
do not forget that I do not believe in religion, and I own more of Pakistan than probably most of you sitting here. I can assure you that. So Pakistan is for everyone, and we have the right. माफी के साथ यहाँ पे रुकना चाहूंगा। मैं चाहता हूँ कि आपके अभी तक जो पॉइंट्स हैं इनको एड्रेस करते चलें, ताकि फिर बाकी जो आगे अगर आपने बात करनी हुई तो वो आसान हो जाए। क्वेश्चन आपने पूछा था कि जो रिलीजियस मोरालिटी होती है, क्या वो नॉन रिलीजियस लोगों पे भी अप्लाई होती है? नहीं होती। हम ये कहते भी नहीं है, हम मोरालिटी को ये नहीं कहते कि आप रिलीजियस होंगे तो आप मोरल हो जाएंगे। हम ये कहते हैं कि रिलीजन के बगैर भी आप परफेक्टली मोरल जिंदगी गुजार सकते हैं। आपने सवाल खुद से ये पूछना है कि वो आप मोरल जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं। That is the starting point. क्योंकि वो मोरल जिंदगी आपकी, जो आपके अंदर एक मोरल कंपस है जो आपको राइट और रॉन्ग के दरमियान फर्क पैदा करता करके देता है, और वो ऑब्जेक्टिव होता है। Although मोरालिटी हमेशा ऑब्जेक्टिव नहीं होती, कल्चरल बेसिस पे ये सब्जेक्टिव होती है, सब्जेक्टिव टू अ कल्चर। इंडिविजुअल लेवल पे ये ऑब्जेक्टिव होती है, विच मीन्स के जो मारूफात है या जो यूनिवर्सल गुड्स हैं, देर इज अ रीजन के सब इंसानों में वो एक जैसे पाए जाते हैं। जैसे कि कत्ल करना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात है, धोखा देही बुरी बात है, एंड सो फोर्थ। वन हैज टू आस्क अ क्वेश्चन कि अगर मैं बोल हूं तो मुझमें ये है क्यों? दैट्स नंबर वन। नंबर टू ये कि अगर कोई इंसान फिर भी चूज करता है कि उसने नॉन रिलीजियस मॉरल्स के साथ रहना है, तो वो उसका उस इस्लाम कोई दीन नहीं कहेगा कि नहीं तुमने इसके मुताबिक रहना ही रहना है। सो आपने अपना नाम इवोल्यूशन मिसाल के तौर पर रखा हुआ है। इवोल्यूशन के दो बड़े प्रोपोनेंट्स हैं इस दुनिया में इस वक्त, लॉरेंस क्राउस है और रिचर्ड डॉकिंस है। लॉरेंस क्राउस ये कहता है कि अगर एक भाई और बहन आपस में प्रोटेक्टेड सेक्स कर लेते हैं तो दैट्स फाइन, उसमें कोई गलत बात नहीं है। रिचर्ड डॉकिंस ये कहता है कि दो बहनें अगर आपस में शादी कर लेती हैं, क्योंकि उसने इम्प्रूव किया, क्योंकि लॉरेंस क्राउस ने प्रोटेक्टेड का इसलिए कहा कि अगर उस इंसेस्टुअस रिलेशन से अगर बच्चे पैदा होते हैं तो वो शायद जेनेटिक एबनॉर्मैलिटीज के साथ पैदा हो, तो अगर दो बहनें हैं जिनमें बच्चे पैदा करने का कोई तुकी नहीं बनती है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो दो बहनें तो ठीक है आपस में शादी कर लें, किसी को क्या प्रॉब्लम है। अब ये दोनों एथियस्ट हैं, ये दोनों इवोल्यूशनिस्ट हैं, ये रिलीजियस मोरालिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, एंड दिस इज द रिजल्ट यू गेट। आप किसी से भी पूछ लें कि वेल दोनों में से नहीं थी। अब अगर आपको मैं एक चीज में वैसे मैं इशारातन कह दूं कि अगर आप इज्जत एहतराम से मुझसे बात करते रहेंगे, आप यकीन करें मैं बड़ा आपको इज्जत दूंगा। लेकिन एथियस्ट, चूंकि एथियस्म में कुछ चीज ऑफर करने को है नहीं, तो वो आमतौर पर तंज और इन चीजों के साथ वो आप गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। देर मे कम अ टाइम कि आपको शायद मुझसे बात करने में दिक्कत हो जाए, इसलिए कि मैं फिर केयर नहीं किया करता। सो ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप मुझसे किस टोन में। बड़ी अच्छी बात है। ये जो आपने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद थी, मैंने तो बहुत दफा एथियस से पूछा है कि आप मुझे कुरान की वो आयत दिखाएं, मुझे एक हदीसे मरफू दिखाएं जिसमें से आप हमें ये साबित कर दे कि इस्लाम ये कहता है। सवाए अब्दुल्ला बिन अब्बास की वो रवायात जिसे जो इसराइलियात में शुमार होती है, उसके अलावा आप कुरान या हदीस में हमें दिखा दें कि आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों की शादियां आपस में हुई थी, तो हम आपसे बात करने को तैयार हैं। अगर आप कहते हैं कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, तो फिर बाइबल वालों से पूछे, वो जिम्मेदारी नहीं, 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 हम तो ठीक है। मेरी बात को आगे आपको माइक दिया था ना, तो मैं आपकी जो क्वेश्चन उनको मैं एड्रेस करते हुए जा रहा हूँ। तीसरी आपने बात कही कि हम एथियस्ट जो हैं वो इवॉल्व हुए हैं, और जो आप समझते हैं कि जो मोरालिटी है मैं ये एवोल्यूशन का एक प्रोडक्ट है। मैं आपसे बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, काइंडली इसका बड़ा स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। क्या आप एक ऐसी जीन आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट अकाउंट्स फॉर मोरालिटी, जिसे मोरालिटी आती हो? फरमाइएगा। नहीं, मैं आपसे ये सवाल पहले पूछूंगा कि आप आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के बारे में फिर बताएं कि कैसे फिर हम जो आगे बढ़े। श्योर, तीन उसकी एक्सप्लेनेशंस पाई जाती हैं। एक जो आपने बताई है, लेकिन वो भी सर्टिफाइड नहीं है। दूसरी ये बताई जाती है हमें, और ये भी हमारी आज से हजार साल पहले 1200 साल पुरानी किताबें आपको उसमें मिल जाएगा, जिसमें दो हूरों का भी जिक्र है। इनफैक्ट उनके नाम भी मौजूद है, नजला और मंजला के नाम से, कि वो भी आई थी जिनसे आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों की शादियां हुई थी। तीसरी एक्सप्लेनेशन ये पाई जाती है कि हमारे आदम अलैहिस्सलाम तो हमारे आदम अलैहिस्सलाम, इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब उन्हीं की औलाद है जो इस वक्त दुनिया में कंटेम्प्रेरी ह्यूमंस मौजूद है। हाउएवर, उनसे पहले भी
टू सर्टन हिस्टोरियंस 69 टू सर्टन हिस्टोरियंस 6 ऐसे आदम गुजर चुके हैं अपनी नस्लों के साथ जिनकी नस्लें एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, लेकिन उनसे पहले वाले जो थे उनकी नस्ल के कुछ लोग ऐसे बचे थे जिनसे आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों की शादियां हुई और नस्ल आगे चली। नन ऑफ दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ शरिया, ये शरीयत के मजमून नहीं है, ये तहकीक के मजमून है। इस पे कोई इंसान गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, अल्टीमेटली वी डोंट नो, बट देयर आर डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस जो कि पाई जाती हैं। और ये हमने कोई एथियस्ट के डर से कोई पिछले 20-22 साल में किताबें नहीं लिखी हैं, ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ये आपको हमारी हजार साल पहले भी आपको हमारी जो एकेडमिक हिस्ट्री है आपको उसमें मिल जाएगा। अल्टीमेटली आप मुझसे पूछें एग्जैक्टली हाउ क्या हुआ, और आई डोंट नो। और मुझ में और एक एवोल्यूशनिस्ट में यही फर्क है कि अगर मुझे किसी चीज का पता नहीं है तो मैं कहता हूँ कि मुझे पता नहीं है। आई डोंट मेक ब्रैश क्लेम्स, इवन इफ आई डू आई कैन गेट अवे विद इट बिकॉज इसलिए कि मैं तो नहीं कहता कि मैं हर चीज के एविडेंस के साथ चलता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि मैं ईमान रखता हूँ उस किताब पे जो अपने कारी को जो ये किताब खोलती है उसे कहती है कि ये हिदायत देती है उन लोगों को जो अनदेखी चीजों पर ईमान लेके आते हैं। सो आई हैव दैट ऑप्शन, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उस इंसान को होगा जो कहेगा कि मैं एविडेंस के बगैर नहीं करता। अब उसने एविडेंस देना है इस चीज का, जो सवाल मैंने आपसे पूछा है कि आप ये कहते हैं कि मोरालिटी इवोल्यूशन का प्रोडक्ट है, तो आपने फिर स्पेसिफिक क्लेम पे एक मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है जिसने आपने एक स्पेसिफिक आंसर करना है कि हमें वो जीन बता दें जिससे मोरालिटी आती है। फरमाइएगा। देखें, ये एक इवॉल्व ट्रेट है और मोरालिटी इज जस्ट बायोलॉजिकल एक्सप्रेशन, ये इंस्टिंक्ट है। आप और एक्सेप्टेबल इंस्टिंक्ट्स हैं वो सर्वाइव करती हैं, और सोशली जो हार्मोनियस इंस्टिंक्ट्स नहीं होती, मतलब आपकी इंस्टिंक्ट होकर आप चोरी करें या कंपल्सिव बिहेवियर हो ऐसा, तो ऑब्वियसली। लेकिन जिस तरह आपने बात की ना कि आपका ईमान, सॉरी मैं आपसे उस स्पेसिफिकली जीन का मैं पूछ रहा हूं, काइंडली मुझे वो बताइएगा सर। जिस तरह आपने बात की कि आप आपको साइंस से फिर गरज क्या है, क्यों साइंस का से इसका क्यों चाहिए, नहीं रिलीजन का साइंस से क्या ताल्लुक है? चले ठीक है, मैं वो तो भाई वो तो मैं वैसे ही टीम कर लूं भाई, वो तो हो गया ना, वो तो मेरी बात हो गई। आप तो फिर आप इस बारे में बात ना करें, आप अपने आप तो एविडेंस नहीं, ऐसे नहीं ना, उसको पेडेस्टल पे खड़ा है उसका जवाब भाई, ऐसे नहीं ना। रिलीजन तो हो गया आपके नजदीक, आप तो अब एथियस्ट हो गए, आपने तो अपने अपने ज़हन के मुताबिक आपने अपग्रेड कर लिया है कि अब आप साहिब, नाउ यू आर नॉट अ पर्सन ऑफ फेथ, नाउ यू आर अ पर्सन ऑफ एविडेंस, आप तो अब एविडेंस के साथ चलते हैं। मैं आपसे उस स्पेसिफिक जीन का एविडेंस मांग रहा हूँ, दैट अकाउंट्स फॉर मोरालिटी, प्लीज मुझे उसका जवाब दें। नहीं, आपके जेन में ये एक सवाल पैदा हुआ है ना, जो कि रिलीजन से इन्फॉर्म्ड क्वेश्चन है, क्योंकि रिलीजन जो है ना उसको इरेशनल एक यू नो स्टोरीज एंड कल्चरल नैरेटिव्स हैं, तो उनको ये सवाल लगता है कि ये सवाल बनता है, हालांकि ये सवाल बनते ही नहीं है। नहीं, आपने क्लेम किया मोरालिटी, यस इवॉल्व ट्रेट हुआ, तो ट्रेट किस चीज से आता है पता है आपको? जीनोटाइप से आता है कि फिनोटाइप से आता है? देखिये, हर चीज जो है वो ऑब्वियसली your biological expression, biology is everything, is nothing expression, is expression kya beyond beyond expression kya genotype hai ya phenotype hai? ab har cheez genetics hi hai, genetics hai. main genetics ki baat kar raha hu, lekin main aapse ye puch raha hu ki kya wo uske genotypical property hoti hai ya phenotypical property hoti hai? sir aap itne scientific kyon ho rahe ho, aap bataye fir atom kis tarah evolve hua, aapko nahi pata kya asteroid ke zariye aaye? नहीं आपको देखें, अगर आपको अगर नहीं मेरे पास अगर आप छोड़ दें, वो तो रिलीजन की होगी ना, आपने अपग्रेड कर, नहीं आप मैं तो आप कह रहे हैं ट्रेट है, देखें मेरी बात का जवाब नहीं देने आया, मेरी रिलीजन को क्वेश्चन, नहीं नहीं मेरी बात सुनिए, मैं वो गेम खेलता ही नहीं कि जिस आदमी हमारा रिलीजन दुनिया में मेरी अर्थ सुन देना, बना सकते हैं मौका जो दे रहा हूँ, ज्यादा देर चलेगा इवोल्यूशन साहब, मैं सच को मौका दे रहा हूँ कि सच मुझे बताए कि इवोल्यूशन मोरालिटी किस तरह से काम करे। भाई मैंने आपसे मोरालिटी की इवोल्यूशन पूछी है, सच का मौका जो दे रहा हूँ आपको, जीते ना सच, अब बताएं आप मोरालिटी, आपको नहीं पता मोरालिटी किस तरह है, इट्स सोशल बिहेवियर व्हिच क्रिस्टलाइजेस। आप दावा किया है, एक दावा आपने कि इवोल्यूशन अकाउंट्स फॉर मोरालिटी, मैं आपसे ये, और आपने कहा है एक्सप्रेशन, अगर ये एक्सप्रेशन है तो इट हैज टू बी फिनोटाइप, इट कैन नॉट बी जीनोटाइप, बट फिनोटाइप डिपेंड्स ऑन जीनोटाइप, एंड जीनोटाइप इज द एक्चुअल कॉम्पोजिशन ऑफ आवर जीन्स। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे वो जेनेटिक कॉम्बिनेशन बता दें, वो फॉर्मेशन बता दें
जिससे हम मोरालिटी को समझ सकते हैं? दैट इज द सिंपल क्वेश्चन. अब सच जीत जाए, जीते अब सच मैंने कब मना किया है? मेरा नहीं ख्याल कि इसका जवाब नहीं होगा. वैसे ही मैं कोई बायोलॉजिस्ट हूँ नहीं, लेकिन मुझे आपके पास बेसिकली पता है, मुझे बेसिकली पता है कि मैं सिर्फ मेरी सर बड़ी क्रिटिकल मोमेंट पे बात आ गई है, मैं आपसे बड़े क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. आपको पता है, मुझे काइंडली हाँ या ना में जवाब दीजिएगा. हाँ मुझे पता है कि आदम अली स्टोरी झूठी है. नहीं मुझे ये बताइए ना, वो तो हो गया. और मुझे ये बताइए, कल्चरल नैरेटिव है. नहीं मुझे और कोई जीन ऐसी, कोई ऐसी जीन करते थे आदम. देखें आप खुद को, देखें आप खुद को इस तरह से, देखें ना आप इस तरह से, इस तरह से तो देखें ना आप खुद को इस तरह से एम्बेरस तो नहीं कर सकते ना कि आप एक क्लेम करें, मैं उस पर सवाल करूं और आप घूम के चले जाए मजहब. मैं तो बेसिस, क्या आपको पता है? आप नहीं मानते होगी ना, आप तो इवोल्यूशन को मानते हैं. आपको पता है कि कौन सी जीन हमारी मोरालिटी के लिए अकाउंटेबल है? वो साइंस ही देगी. वो आपको तो नहीं पता, आपको तो नहीं पता, ऐसा ही है. कोई बुरी बात नहीं है, आपको पता भी नहीं है लेकिन इसके बावजूद आप उसे ठीक भी समझते हैं, तो ईमान और किसे कहते हैं? हाँ ईमान इसको कहते हैं कि एक क्लियरली आपने इवोल्यूशन पे ईमान ही है ना, आपको डिस्प्रूवल हो जाए ना तो फिर आप कहें कि नहीं मैं तो किताब पे यकीन रखता हूँ, एविडेंस. यस कहते हैं ईमान. ये आपकी हालत है. बहुत शुक्रिया, आपने आपने बड़ी अच्छी बात कह दी है, बहुत शुक्रिया आपका. मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि एक भी जीन ऐसी नहीं है जो हमारी मोरालिटी को के लिए अकाउंटेबल हो, ये डिसप्रूवन है. इसके बावजूद आप इसे ठीक समझते हैं तो इवोल्यूशन पे आपका ईमान है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मैं सिर्फ यही जो है आपका कुछ ज्यादा आपसे बात करने का मकसद, और वो मुझे कुछ अंदाजा था कि हमारी गुफ्तगू इस तरफ जाएगी आपके नाम से, लेकिन आपको लेके आने का जो मकसद था वो ये था कि ये आप लोग जितनी भी मजहब पे क्रिटिसिज्म, गाली गलौज, इसको इरेशनल कहना, दिस एंड द अदर, जब आपसे साइंटिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएं तो जिस तरह से आप मेरे मोहतरम की सांसें उखड़ रही थी, आप सबकी ऐसी उखड़ जाया करती हैं. तो मैं हर सैटरडे को स्ट्रीम जो करता हूँ, चार चार पांच पांच घंटे की स्ट्रीम करता हूँ, वहां पे मैं आप जैसे लोगों को एंटरटेन करता हूँ. So, आप भी उतने ही साहिब ईमान है जितने हम हैं. The only difference is कि आपका ईमान एक ऐसे आदमी पे है जो कि दिफा नहीं कर सकता, और हमारा ईमान एक ऐसे सिस्टम पे है जिसमें हम हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं, हर चीज को. एनीवे सॉरी राइज, ऐसा बात थोड़ी सी लंबी हो गई थी, आपने माइंड तो नहीं किया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जज़ाक अल्लाह खैर, आई वाज फीलिंग वेरी एंटरटेन्ड. अल्लाह ताला आपको जज़ाक खैर दे और हमें भी तौफीक दे कि हम हक बात जो है वो आगे करते रहे. एंड आई थिंक वन थिंग दैट वी मस्ट इंशाल्लाह क्लेरिफाई इज के हमारा साइंस के साथ कोई कोई जंग नहीं है, बल्कि हम समझते हैं कि साइंस इज ऑल्सो अ वे टू ट्रूथ. जस्ट लाइक अगर आप एपिस्टेमोलॉजी में चले जाएं तो देर आर मेनी वेज टू ट्रूथ. सिर्फ साइंस नहीं है कि हर चीज जो है वो उसकी बेसिस के ऊपर ही परखी जाती है, देर आर मेनी अदर वेज. एंड आई थिंक जब अगर आप थोड़ा सा टाइम लगा के फिलोसफी ऑफ साइंस पढ़ लें तो इंशाल्लाह बहुत सारी जो आपके दिमाग में जो नॉट्स हैं वो अनटैंगल हो जाते हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया. अच्छा आप मुझे बताइए आपके पास टाइम कितना है, फिर मैं कोर्स को उस हिसाब से ही मिलूं, उसके बाद फिर हम. जी टाइम मेरे पास बस 5 मिनट है मेरा एक्चुअली, इसके बाद एक और जगह पे टीवी एक न्यूज शो है वहां पे मैंने जाना है, उधर भी यही टॉपिक डिस्कस हो रहा है, तो बस यहां से फ्री होकर मैंने. अच्छा चलिए फिर जल्दी जल्दी हम रैप अप करने की कोशिश करते हैं. अब मैं कम से कम बोलूंगा. नेक्स्ट मेरे पास जो है लिस्ट में जो मुझे नजर आ रहे हैं उमर साहब हैं, और उमर साहब वेलकम ऑन बोर्ड जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी उमर साहब अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. उमर भाई जल्दी कीजिएगा, वक्त हमारे पास बहुत कम है. जी नहीं वो मैंने उनसे बात करनी थी, वो जो आए हुए थे भाई वो बहुत चले गए थे. ये जो लास्ट कॉलर थे जो. हाँ जी वो जो आपसे डिबेट कर रहे थे. मुझे लगता है कि वो आते जाते रहेंगे, तो काइंडली आप नेक्स्ट टाइम तशरीफ लाइएगा. अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन. जी जज़ाक अल्लाह खैर उमर भाई, अल्लाह ताला आपको जज़ाक खैर दे और खुश रहें जी. चलिए उमर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका. जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका. वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह ताला खुश रखे आपको. थैंक यू सो वेरी मच इंडीड. एहसन मेमन है मेरे साथ. जी एहसन अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो वेलकम ऑन बोर्ड, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी बस मैं तमाम सुनने वालों से एक चीज जो हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे राजा भाई ने भी और आपने भी,
जो कही कि हम जो है कलेक्टिव हमारी सोसाइटी जो जो मजहबी तबका है वो फेल होता है इस मामले में कि हमने इनको एक आगे बढ़ने का मौका दे दिया, लिबरल्स को और जो इंडियन इस्लाम फोर्सेज ने पाकिस्तान में आगे बढ़ा दिए। तो मैं चाह रहा था कि हम एक पॉइंट जो यहाँ पर एक हमारा मजहबी तबका इग्नोर करता है वो ये कि हम पॉलिटिक्स के अंदर तो हमारी मजहबी तंजीमें जो है ना बड़ा एक्टिवली काम करती हैं, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री हो या सेंसर बोर्ड जिसने जो आईलैंड को भी इजाजत दी, तो इस तरह के इदारों में हमारे लोग जो है ना बड़े कम होते हैं। तो हम यहाँ पर जो है इन फोर्सेस को बड़ा इजीली मौका दे देते हैं कि वो एंटी इस्लाम एजेंडा जो है उसको बड़ी आसानी से जो है ना परवान चढ़ा देता है। तो ये इदारे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसके अंदर जो है ना हमारे लोग हों ताकि उनको उधर ही काउंटर कर सकें, और इस तरह की चीज जो है जैसे ही आए सामने और उधर काउंटर हो जाए। या जैसे असेंबली के अंदर लास्ट टाइम ट्रांसजेंडर जो बिल जो है पास हुआ, तो उधर जो सेनेट के अंदर जो सेक्रेटरीज होते हैं जो वो ये काम करते हैं, तो वहाँ अगर हमारे लोग हों तो वहाँ भी इजिली ये मामला हो सकते हैं। लास्ट टाइम भी कादियानी के हवाले से नॉन लीग ने जो सेनेट के अंदर जो मामला किया था आइन के हल्क के अंदर, तो उधर कहा जा रहा था कि कुछ जो है सेनेट्स के अंदर जी जो सेक्रेटरीज हैं उनकी तरफ से कोई इसमें शक में जो है ना तब्दीली हुई है। तो ये चीजें होती हैं, वो हकीकत में इस तरह के लोग होते हैं अंदर जो मामला करते हैं। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत माजरत के साथ आई थिंक कि हम राय साहब अगर आप इसको एड्रेस करते हैं, उसके बाद 9 बजे मैंने भी एक्सट्रीम में जाना है, तो आप अगर ये आप एड्रेस करें फिर मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, आपने जाना है तो मैं एक दो और कॉलर्स को लेके चल कर मैं भी रैप अप करता हूं। सो दिस वन बिलोंग्स टू यू। श्योर, मैं इनकी भाई जो ऐसा इन्होंने कहा, मैं इनको ये कहूंगा कि सबसे पहले तो हमें ना खुद अपने आप को अब उस पोजीशन पे लेके आना है। हमने अब इधर उधर नहीं देखना, हमने ये नहीं देखना कि जी आप मौलवी जो है वो किसी पार्लियामेंट में जाए या मौलवी जो है वो जाए, हमें जाना चाहिए और हमें अपने आप को दीनी तौर पर भी इक्विप करना चाहिए, हमें अपना दीन पढ़ना चाहिए। मैं खुद भी जब दीन की तरफ आ रहा था तो मेरे जो एक टीचर थे जिनसे मैं कुरान पढ़ता था उनको मैंने ये कहा, उस टाइम पे मैं नया नया दीन की तरफ आया था, तो मेरी चूंकि अपनी एजुकेशन इंग्लैंड में हुई, ऑस्ट्रेलिया में हुई, आईटी से रिलेटेड मेरा बैकग्राउंड था, तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने कहा शेख मुझे ये बताइएगा कि मैं मुझे कोई रोल मॉडल्स बताएं ऐसे लोग जो कि मैं देख सकूँ जो दीनी तौर पर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, दुनियावी तौर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत वेल रेड हैं, वेल स्टडीड हैं और वेल क्वालिफाइड है, तो ऐसा कोई बंदा बताएं जिसको मैं फॉलो कर सकूं। तो मेरी टीचर जो है वो तकरीबन 5 मिनट सोच में चले गए और फिर कुछ देर के बाद जो है उन्होंने सर उठाया और कहते हैं कि आप क्यों नहीं बन जाते। तो मैंने समझा मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है, मैंने कहा कि कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो अभी जुमा जुम्मा 8 दिन अभी दीन में दाखिल हुआ हूँ, तो कैसे मैं कैसे रोल मॉडल बन जाऊँ। तो उन्होंने कहा देखो जिसकी तुम तलाश कर रहे हो ना वो अगर यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो खुद अपने आप को उस मकाम पे क्यों नहीं लेके आते हो कि जहाँ पे तुम खुद दीन को पढ़ो, ठीक है तुमने इतने अरसा जो है वो दुनिया पढ़ी है, तुमने अपना बैचलर्स मास्टर्स करके यहाँ तक पहुंचे हो और मल्टीनेशनल कंपनी के साथ भी काम करते रहो, सारा एक्सपोजर भी मिल गया, तो अब अल्लाह के बंदे थोड़ा सा दीन भी पढ़ लो। तो मैंने कहा चले अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश तो करता हूँ, लेकिन बहरहाल मुझे अपना जवाब तो नहीं मिला, लेकिन नाउ लुकिंग एट दिस आफ्टर सो मेनी इयर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने कोशिश की कि ऐसे लोगों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना कि वो जिस जिस फील्ड में भी है वही अगर वो उनके अंदर खुदा खौफी आ जाए, अगर वो अल्लाह वाले हो जाए तो वो इंशाल्लाह जिस भी फील्ड में जाएंगे चाहे वो कोई भी वॉक ऑफ लाइफ हो, इंशाल्लाह वो वहां पे उस डिपार्टमेंट में, उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस इदारे में खैर ही लेके आएंगे। और हमने ऐसे लोगों की ही तरबियत करनी है, ऐसे लोगों को ही ट्रेन करना है। तो एहसन भाई से गुजारिश होगी कि आप भी अपने आप को इंशाल्लाह फ्रंट फुट पे खेलें, ब्यूरोक्रेसी में आप जाएं, इंशाल्लाह आपकी सोच अच्छी है, आप जाएं अपने साथ और भी लोगों को इनकरेज करें कि आप लोग भी वहां पे जाएं, और जहां पे भी जाएं ये बात रखें कि कोई काम हमने ऐसा नहीं करना जो अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई जो है ना हिदायत के खिलाफ हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय साहब, ट्रूली अप्रिशिएट आपने ज्वाइन किया, इतना वक्त दिया, क्वेश्चंस एंटरटेन किए, थैंक यू, सच अ प्लेजर। मैं दोबारा से आपको जहमत दूंगा, आपके पास भी हाजिर होऊंगा, वी जस्ट नीड टू कीप ऑन कमिंग विद दिस। बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा जी, हम अपने सफर को जारी रखते हैं। मैं नबील अहमद साहब, सिर्फ आप हमारे आखिरी कॉलर होंगे, सो सैयद अता हैं, सैयद अता साहब के बाद हमारे साथ हैं जनाब साद हैं और नबील, उसके बाद मैंने भी एक जाना है स्ट्रीम में, तो मैं माफी चाहूंगा, तो जल्दी जल्दी मैं ये जो कमेंट्स हैं मैं एंटरटेन करूं। जनाब सैयद अताउल्लाह शाह साहब, वेलकम ऑन बोर्ड, जनाब क्या फरमाना चाहेंगे? You are. Thank you sir. Assalamu alaikum. Thanks for taking me on my mic.
me as a student, as I lecture ya kuch bhi samajh le, but I am working on my side, on my blog. I mean, all every my second blog mera LGBT par hota hai, main us par bhi maujood hai. Abhi inshallah ek aur publishing ke liye maine diya hua hai ke itrazat ke jawabat urdu mein. To do teen char baatein jo maine ek blog mein bhi mention ki thi aur abhi bhi main mention karna chahta hu. Especially the one thing is ke why jaane, why not the other 1000 problems in this country? There is inflation, yahan par gareeb mar raha hai, yahan par jaake complain hai bachon ko roti nahi mil rahi, to why join land? And the second thing, why Malala for Joyland? Actually, I mean, jis ko Raja bhai ne pichle podcast mein iska ek pura linkage banaya tha ke, aur yahi mera bhi khayal hai ki na proper tarike se implement karne ke liye logon ko wahan se yahan se uta kar na aap kyun musallat kar lete. Lekin isme ek cheez jo shayad jiski baat na ho, wo main mention karna chahunga jo maine apne blog mein mention ki hui hai ke Catherine Corsini, she is a French director and the queer palm jury head. Usne ek baat ki aur us baat ko maine kuch words ko highlight kiya hai, and this is much important. जो बात उसने इस मौके पर कही थी, इस जॉयलैंड के मौके पर कहा था कि इट्स अ वेरी पावरफुल फिल्म दैट रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग और उसमें मैंने बोल्ड किया हुआ है एवरीथिंग और वी स्टैंड फॉर. तो अच्छा भाई, दुनिया में हजारों मसाइल हैं, हमें तो कहा गया था स्कूल में कि मगरिब तो माशाल्लाह बहुत ही इंसान परस्त है, बहुत ही इंसानियत की कदर करती है, बहुत ही ज्यादा इस चीज उस चीज की. तो अभी हमें पता चला कि आप इन चीजों के लिए स्टैंड होते हैं, लाइक दिस इज काइंड ऑफ वेरी वीर्ड. और फिर आप अवार्ड्स भी उनको देंगे जो आप चाहिए हो, लाइक एक्चुअली आप खुद डेमोक्रेसी को भी कंट्रडिक्ट करते हो. तो मैं शाह साहब का कलामी की माजरत में आपकी कलामी कर रहा हूं, माफी चाहूंगा. मैंने इस पे सेपरेट ये जो पार्ट आप बता रहे हैं कैथरीन कोर्सिनी की, ये कट आउट करके उर्दू तर्जमा करके मैंने इस पे ट्वीट की थी कंपैरिजन कि हमारे साइम सादिक साहब जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं वो किस तरह से इसको मिस सेल कर रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया उनके झूठ को कैसे एक्सपोज कर रहा है. ये कह रहे हैं कि ये फिल्म देख के आपको अपने बू की याद आती है, फैमिली की याद आती है, और वो ये कह रही है क्वेर पाम के डायरेक्टर जो है कि इट रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग वी स्टैंड फॉर, कि हर वो चीज जो हम हासिल करना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम तगो दो कर रहे हैं, ये फिल्म उसकी नुमाइंदगी कर रही है. तो क्वेर पाम वाले किस चीज को हासिल करना चाह रहे हैं, हम जिस प्रस्ती को आम करना वो ये उनका मकसद है, हम जिस प्रस्ती को नॉर्मलाइज करना ये उनका मकसद है. तो वो ये कह रहे हैं कि ये फिल्म बिल्कुल ठीक है. और साइम सादिक साहब शाहजेब खान ज्यादा के पास जाके कहते हैं उनके शो में कि नहीं, इसे तो आपको अपने घर याद आएगा, फैमिली याद आएगी, सर सेम याद आएंगे. सर सेम बात नहीं, ये पता है मुझे अब फेसबुक पे कमेंट आया कि यार क्या आपने ये मूवी देखी है कि जो इतना कुछ कह रहे हैं. मैंने सीधा मैंने कहा कि मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जस्ट प्लीज टेल मी व्हाट इज क्वीयर पाम अवार्ड, जस्ट प्लीज टेल मी. तो भाई अवार्ड से मालूम है कि अवार्ड इज ओनली स्पेसिफिकली फॉर एलजीबीटी टाइप थिंग्स. तो बिल्कुल एक तो हम में ना वो शुरूर नहीं मरा हुआ है कि भाई इंसानियत इंसानियत, लेकिन यहाँ पर ये चीज हम भूल जाते हैं कि भाई है क्या चीज, हो क्या रहा है. एंड सर एवरीथिंग आई मीन आपके सामने बातें कहते हुए तो मैं बेहतर फील नहीं कर रहा, लेकिन आप भी वैसे बेहतर समझते हैं कि एवरीथिंग इज प्लान्ड एक्चुअली. आपके ऊपर औरत मार्च आ जाता है, उसके बाद ट्रांसजेंडर एक्ट उसी साल आ जाता है, फिर इसको अब भी दोबारा रिलाइव किया जाता है. एंड यू नो दिस इज अ कंप्लीट साइकिल, लाइक अ ग्राफ जैसे कि बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आप चीजों को नॉर्मलाइज करने की तरफ लेकर जा रहे हैं. और कल मैंने एक ट्वीट रिट्वीट की हुई है जहां पर एक माँ जो है वो बहुत ज्यादा एक्चुअली एक किस्म का फरियाद कर रही है अमेरिका की, भी कौन सी स्टेट है, कि मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी कहाँ पर ट्रांजिशन हुई है. वो 10 साल की बच्ची है, घर में आती है मुझसे कहती है कि मम्मा एम मतलब क्या कि मैं मेल हूँ या मेरा नाम क्या है. तो स्कूलों में भी सारा, तो मैं आज भी कह रहा था एक साथी के साथ कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही होता है, शुरू में बिल्कुल जनरल किया जाता है आर्ट के जरिए से. आर्ट का नाम मी अलग बीइंग बीएस इंग्लिश स्टूडेंट, मैंने खुद इस आखिरी बात कहना चाहता हूँ, बिल्कुल आखिरी बात, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, आई एम सॉरी फॉर दिस. तो सर मैंने अपने टीचर्स से अपने बीएस सेमेस्टर्स में सवाल पूछा था जब हम ओडिपस रिक्स को पढ़ रहे थे फोर्थ सेमेस्टर में, और सर हमारे पीएचडी है माशाल्लाह, हमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी से की हुई है. तो सर ने कहा कि मैंने कहा कि सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ बहुत ही सादे से,
आप मुझे बता दीजिए कि व्हाई ओडिपस रेक्स, व्हाई नॉट एनी अदर वन? तो मुझे कहते हैं कि शासन में नहीं समझा. मैंने कहा सर देखिए, देयर इज आई मीन इलेक्टा कॉम्प्लेक्स एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड ऑल दीस थिंग्स जो एक्चुअली हमें बताए जा रहे हैं नॉवेल्स के जरिए से, तो सर ये क्यों? तो क्या कि शाह साहब ये इचिसी की तरफ? मैंने कहा सर इचिसी ने कोई और क्यों नहीं सिलेबस में शामिल किए? तो फिर मुझे तिरछी निगाह से देखा, कहा शाह साहब आप समझदार है. मैंने कहा ओके सर ठीक है. स्पीकर आपके पास है, माइक आपके पास, माफी चाहूंगा. जी नबील फरमाइएगा. जी वालेकुम अस्सलाम. सर सबसे पहले तो आपका अप्रिसिएशन बनता है कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं. आजकल जो माशरे की सबसे बड़ा खतरा है नजरियाती तौर पर और फिक्री तौर पर, और वो नजरियाती और फिक्री तौर पर उसका अमल फिर सामने नजर आता है वक्त के साथ साथ चलते चलते, वो आज लिबरलिज्म है और एथियज्म है जो आजकल माशरे में एक अपनी मर्जी और अपनी एक बेतुकी और अपने ही कम इल्मी का इजहार जो है ना वो माशरे में आजकल नजर आ रहा है. सही है. और मैं साथ साथ इसमें कहूंगा कि जो जो लोग इस इसके अगेंस्ट हैं उसको जैसे कहते हैं कि अब जो है इल्म को जो है ना मुसलमान बनाने की जरूरत है. हर इल्म को जो है आज आपको जरूरत है कि वो आप ज्यादा से ज्यादा उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ें. और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जैसे आपने इधर एक प्लेटफॉर्म आपने ये यूज कर रहे हैं माशाल्लाह से, एक प्लेटफॉर्म इस तरह से हर जगह मौजूद होना चाहिए कि जो आजकल सबसे बड़ा खतरा जो मैं कहता हूँ लिबरलिज्म से एथियज्म से, क्योंकि कल को जो हमारी नस्लें हैं और जिस तरह से आजकल डिबेट्स और हर कोई आज समझ लें कि वो अपने आप को एक तुर्रम खां और आलिम बना समझ रहा है, जिस कॉन्सेप्ट से भी वो चल रहा हो ना वो एक चल रहा है. इसके साथ साथ अब साथ साथ जो है इंटेलेक्चुअल जो हमारे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल मीडिया है या लॉयर्स हैं या टीचर्स हैं, उन तक भी ना सही फहम जो है ना दीन का वो जो सही एक है वो पहुंचाना बहुत जरूरी हो गया है. और ये मैं समझता हूँ बाजू का तो शायद हम लोग लिबरलिज्म जितने भी लोग होते हैं उनके सिर्फ सवाल के जवाब दे रहे होते हैं, हम उनसे सवाल नहीं करते. जैसे अभी आपने उनसे भाई से सवाल किया कि भाई आप बताएं ना कि भाई आप जो जिस परसेप्शन पर आप हैं उसका कोई साइंटिफिक आप बताएं, तो वो नहीं वो सवाल पर सवाल होते हैं ना, ये एक चीज चल रही होती है. बहस और तकरार जरूरी है, इसके जरिए कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होते हैं. और इस तरह की जो भी चीजें मूवीज आ रही हो या कोई भी चीज आ रही हो उसके लिए प्रॉपर एहतजाज होना जरूरी है हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे आप अपने स्कूल में हो, कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, चाहे रोड के ऊपर हो, चाहे सोशल मीडिया हो, इसके ऊपर बहुत जरूरी है. अब लोग अक्सर बात कर रहे हैं कि अवार्ड मिलता है, अवार्ड तो बहुत सारी और गलीज इंडस्ट्रियां भी मौजूद हैं उनको भी अवार्ड मिलते रहते हैं ना, क्या वो इंडस्ट्री पाकिस्तान में प्रमोट करने की आप वो भी हजत देंगे कल को? नहीं है ना, कि जो मतलब और भी इंडस्ट्री है, बेहयाई की इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी है ना, उनको भी तो अवार्ड मिलते हैं बड़े बड़े, वो भी तो इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड होते हैं. सही है, क्या उसको भी हम पाकिस्तान में कल को होगा तो उसको भी क्या प्रमोट करेंगे? जी बिल्कुल, जल्दी जल्दी ये बातें सामने रख दी आपके. और एक जो सारा मलबा मौलवियों पर आता है कि मौलवी कोई प्रोफेशन ना था ना होना चाहिए, दीन जो है और दीन की बात पहुंचाना हर साहिब इल्म के ऊपर जरूरी. बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है. आप जो मेन चीज जो आपने कहा, अवार्ड जो है किसी चीज का वो दलील नहीं है कि वो चीज अच्छी है. अवार्ड तो किसी चीज पे भी मिल जाता है, अवार्ड तो ऐसे ऐसे लोगों को भी मिले हुए हैं, अवार्ड वापस भी दिए गए हैं चार दफा, तो ये अपना क्या नाम है जो हमारी मलाला साहिबा को मिला हुआ है वही चार दफा वापस दिया गया है. सो दैट्स नॉट रियली एन एविडेंस ऑफ द पीस ऑफ द आर्गुमेंट. अच्छा मैं यहाँ पे मैं बहुत माजरत के साथ इस सिलसिले को रोकना चाहूंगा, मेरी भी एक्सट्रीम में जाना है डॉक्टर मैमूना की, लेकिन ये सिलसिला इंशाल्लाह बढ़ाते रहेंगे. मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि आप शामिल होते रहें, हैव योर से, ये मैसेज जितना स्प्रेड करते रहे. बहुत दफा लोग बहन भाई पूछते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, एंड वी से लुक आप हमारी आवाज को फैलाते रहें, हमारी आवाज में अपनी आवाज शामिल करके उसको फैलाते रहें, दैट वुड बी एक सदका जारिया. जहां जहां तक वो आवाज जाएगी, जहां जहां तक हमारी रेजिस्टेंस जाएगी, वहां वहां तक वो अल्लाह ताला का जो एक इनामो कराम का एक निजाम है वो आपके साथ जुड़ता जाएगा. दैट इज ऑल व्हाट वी आस्क फॉर. बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंशाल्लाह अजीज, मैं कोशिश करूंगा कि एक डी स्पेस बहुत जल्द मैं अरेंज करूं और फिर मैं इनवाइट करूं एज ए गेस्ट को कि जो डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है सारे मामले के साथ. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. थैंक यू.